वेलकम टू सी सी एन ए सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि आपको यहाँ से क्या क्या मिलेगा या क्या क्या मिल गया होगा एंड उसको आपने कैसे कैसे यूज करना है तो वॉट यू गेट इज बेसिकली देर इज हमने एक चीज बना रखी है जिसे हम नोट्स एंड आउट कहते हैं यहाँ पे जो जितना भी कॉन्टेंट मैं आपको यहाँ स्लाइड में दिखाता चलूंगा इमेज है कुछ टेक्स्ट है डेफिनेशन है वो सब इसमें है ऑलरेडी द एम इज की आप जब इसको लाइव अटेंड कर रहे हो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन या क्लास में तो आप नोट करने में अपना फोकस ना रखो एंड सिंस रिकॉर्डिंग हो रही है तो जो मैं बोल भी रहा हूँ वो भी असल में जा ही okay? तो वॉट यू हैव टू डू इज लिसन केयरफुली एंड हंड्रेड परसेंट फोकस आपका होना चाहिए इसको अटेंड करने में किसी और चीज़ में नहीं द एम ऑफ नोट्स एंड आउट इज टू बेसिकली मेक यू नॉट राइट स्टफ इन क्लास कुछ लोगों को लिखने से याद रख रखा जाता है चीजें तो वो आप अपने फ्री टाइम में कर सकते होकेस्टमाइज इट इन देंस की जैसे मैं अगर हार्ड कॉपी की बात करूँ तो दैट गो सम हर एक पेज पे दो स्लाइड होंगी और कुछ एम टी स्पेस रखी हुई है तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इफ इन केस आपको लग रहा है कि नहीं नया है या मेरे लिए फ्रूटफुल है या कुछ ऐसा तो फील फ्री टू कस्टमाइज इट इसको बुक की तरह ट्रीटमेंट बन देना थिंक ऑफ इट लाइक आपको नोटबुक दी हुई है जिसमें ऑलरेडी काफी कुछ लिखा हुआ है इसको आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करो और जनरली जो फीडबैक मेरे पास स्टूडेंट्स का आया है वो ऐसा है कि दे ट्राई टू कस्टमाइज दिस थिंग वाइल वॉचिंग द रिकॉर्डिंग जैसे ट्रेनिंग ओवर हो गई एंड रिकॉर्डिंग प्ले कर दी तो उसमें वो जैसे उनको कुछ स्टेटमेंट्स लगी लिखने लायक तो उन्होंने पॉज कर दिया लिख लिया uh, करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ओके okay. सो so, uh, बहुत सारा कुछ इसमें ऑलरेडी है एंड इनफैक्ट आई विल टेल यू फ्रेंकली अगर आपको ये याद है याद है इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेमोराइज थोड़ा बहुत कुछ चीजें फैक्ट्स होती हैं इंटरव्यू में भी कई क्वेश्चन सिंपल फैक्ट्स बेस्ड होते हैं कि वॉट इज दिस पूछ लिया किसी ने तो वो अगर याद है तो जवाब है नहीं तो आप फिर कुछ गोलीबाजी करते हो ना अपने हिसाब से लाइक दिस इज दैट ये वो वगैरह सिर पैर जोड़ने की कोशिश करते हो तो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इफ यू बेसिकली रिमेम्बर द नोट एंड आउट डेफिनेशन और इसमें कई एक्सप्लेनिशन जो हमने कर रखी है देर इज अ वेरी गुड चांस कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा मतलब जो भी नेटवर्किंग का आप इंटरव्यू दे रहे हो या मे बी यू नो जॉब uh, स्विच के लिए दे रहे हो या जॉब पहली पकड़ने के लिए दे रहे हो उसके चांसेस अच्छे हैं कि अगर आप इसको याद रख लो रिपिटिशन लगता है इन द सेंस कि एक बार में ये चीजें कई घुसती दिमाग में तो आप को भी नहीं जाएंगी कई चीजें हैं ही कॉम्प्लेक्स है मतलब आई टेल पीपल दिस इज लाइक वो होता है ना सस्पेंस वाली टीवी सीरीज कोई कुछ चीज जो आज आप एपिसोड वन में देखोगे वो एपिसोड टेन के साथ लिंक होंगी जाके तो फिर आप बोलोगे हाँ हाँ हमने ये देखा था तो उसके साथ ऐसे हाँ, ये बताया था एंड ऑल इट मेक सेंस की ना जैसे वो ना जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से ऐसी मूवी होती है लोग दो बार देखते हैं कई बार तीन बार देखते हैं ओके अंडरस्टैंड हुआ क्या तो देर आर सटल हिंट्स इन इनिशियली जो बैक स्टोरी के साथ कनेक्ट कर रहे थे ऐसे चीज यहाँ पे होगी तो आपको भी रिपीटिशन करना पड़ेगा सो दैट यू उनको बाद में कनेक्ट किया जाएगा कि देखो ये इसके साथ हमने बात की थी ऐसे तो इट मेक सेंस टू तो रिपीट सो ऑब्वियसली दिस ट्रेनिंग इज ऑफ हैंड्स ऑन बेसिकली आपको कोई भी चीज अगर ढंग से सीखनी हो तो अपार्ट फ्रॉम विजुअल लर्निंग थ्रू इमेजेस एंड ऑल अपार्ट फ्रॉम रीडिंग अबाउट इट आपको लर्न बाय डूइंग करना पड़ता है यहाँ पे भी सो देर विल बी अ लॉट ऑफ लैब्स नॉट इनिशियली हम जैसे कोई भी कंसेप्ट थ्योरिटिकली पढ़ेंगे तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम लैब करेंगे इनिशियल यू कैन से फोर फाइव क्लासेस में हम थोड़ा थ्योरी बिल्डअप करेंगे किसी चीज का तो तब तक नहीं रहेंगी ये बट आफ्टर दैट यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट एवरी डे जब हम कोई चीज की थ्योरी पढ़ रहे हैं कि ये ऐसे करता है वहां ये होता है एंड ऑल तो फिर हम उसको लैब में करके देखें तो जनरली मैं आपको थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा फिर लैब दिखाऊंगा बट कुछ केसेस में मैं ऐसा भी करूंगा कि आपको मैं पहले लैब दिखाऊंगा ताकि आपको दिल को तसल्ली हो जाए कि हाँ ये भाई सच में ऐसा ही होता है देन हम थ्योरी में उसको फैक्ट्स पढ़ लेंगे कि हमने क्या सीखा लैब करके ओके तो so, वो मैं देखूंगा जिस हिसाब से टॉपिक होता है उसके हिसाब से चलेंगे बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अदर्स मैं इसमें फ्लिप कर देता हूँ कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक तो अब जो हम लैब करेंगे वो लैब आपको भी करनी जरूरी है ओके एंड इट विल बी समथिंग लाइक जैसे थ्रू आउट दिस थ्री आवर्स ट्रेनिंग मैं आपको लैब करके दिखाऊंगा इनिशियली जब हम लैब करना स्टार्ट करेंगे तो आई विल गिव यू सम टाइम विद मी कि आई एम हेयर आप लैब करो एंड uh, उसमें अगर कुछ फंसता है तो आप साथ, -साथ में क्वेश्चन पूछ सकते बट अगर आपको बेस्ट करना है आगे मतलब हर बार लैब करवा के मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जैसे मान लो देखो फिर क्या होता है टाइम डबल लग जाता है लेट से एक घंटा मेरे को कोई लैब करने में लगा अगर एक घंटा आप भी वो लैब करने में लगाओगे तो दो घंटे बाद हमने सिर्फ एक घंटे का कंटेंट कवर किया होगा तो वैसे भी रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास तो हम क्या करते हैं इसको सब्सिक्वेंटली कि जहां जहां ट्रेनिंग होगी वहां पे मैं आपको कवर करवा दूंगा कंटेंट आप अपने पेस पे टाइम निकाल के लैब करके देखो वीडियो देखो नोट्स एंड आउट रिवाइज करो सो दैट की आप रफली मैं बताऊ ना तो इफ यू वॉन्ट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग तो अगर आप तीन घंटे की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो बिल्कुल गए गुजरे हिसाब में भी आपको तीन घंटे खुद लगाने पड़ेंगे वरना इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा दिस माइट का मेज अ बैड न्यूज बट आपका वीकेंड ऑलमोस्ट इसमें लग जाना चाहिए इनिशियली चाहे नहीं बट ग्रेजुअली वो हो जाना चाहिए ऐसा क्योंकि देखो अगेन इट्स नॉट लाइक अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स एमिजन प्राइम की भाई दो घंटे की वीडियो है तो दो घंटे में आप देख लोगे नहीं देख पाओगे यहाँ होगा जब ये रिकॉर्डिंग आप देखोगे दो घंटे की रिकॉर्डिंग दो घंटे की रिकॉर्डिंग में तीन घंटे लगने ही लगने अपने आप ही क्योंकि आपका दिमाग थकेगा आप उठ के जाओगे या लैब कर रहे हो आप तो अब जैसे आप वीडियो प्ले कर रहे हो जहां मैंने एक कमांड चलाई आप एक कमांड चला रहे हो अपना पॉज करके तो तीन घंटे की रिकॉर्डिंग या दो घंटे की रिकॉर्डिंग देखने में अपने आप टाइम ज्यादा लग जाता है तो आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग ही ऐसा करें हर वीकेंड पे ही ऐसा करें बट इफ यू वांट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग तो प्रेफरेबली जितना टाइम आप मेरे साथ लाइव लगाओगे रफली उतना टाइम कम से कम रखना वरना अगर जैसे सपोज करो आज किसी को कहीं जाना है तो नेक्स्ट डे निकाल लेना टाइम बट होमवर्क पेंडिंग मत छोड़ना आपका होमवर्क वाला

इसको देखने का तभी फायदा है लैब का किसी चीज को the okay? वंस सबनेटिंग so, की वर्कबुक मिलेगी तो so, सबनेटिंग की वर्कबुक बुक uh, क्या है जैसे आप लोगों ने कभी वो ऐसा देखा होगा कि यू नो फिल ब्लैंक टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चन करते थे लोग या ऐसे गलतियां निकालने वाले सिस्टम से करते थे यहाँ सबनेटिंग का एक टॉपिक आता है बेसिकली विच इज वेरी मच रिलेटेड टू आईपी एड्रेसिंग ठीक है इनफैक्ट आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग वर्क बुक आप इसको कह सकते हो ये ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करने से आता है थिंक ऑफ इट लाइक मैथ्स ओके मैथ्स नहीं है इसमें लॉग टेक्नोमेट्री या कुछ वैसा नहीं है बट um, जैसे वो होता है ना कि अगर हम किसी बच्चे को एडिशन सिखा रहे हो तो आप उसको स्टार्टिंग में सिखा सकते हो कि चलो बेटा फाइव प्लस थ्री वन टू थ्री फोर फाइव डंडे फिर वो वन टू थ्री करेगा फिर वो बोलेगा एट हो जाता है जी डंडे गिन लेंगे सारे 8 हो गया तो शुरू में जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिसन यू नो व्हेन यू मेक समबड़ी स्टार्ट ठीक है वो डंडे बना के बना के ये गिन गिन के ऐसे कर रहा होता है बट अब जैसे आपसे वो कोई पूछते पांच और तीन कितने होते हैं, तो अब बोलते आठ होता है क्योंकि बहुत बार कर लिया है ऐसा ही कुछ आपको यहां लगता है इफ यू स्पेंड इनफू क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि यार ये आई पी यहाँ से यहाँ होता है यहाँ स्टार्ट होता है अंकल या आंटी बोल के बिल्कुल एक दो तीन मतलब जब भी जिस एज में सीखते हैं बच्चे एडिशन वो बोले अंकल आंटी कुछ बोल के कि कैसे होता है तो आपको सोचना पड़ता है राइट कैसे होता है पांच और तीन आठ राइट बट ऑन द अदर हैंड आंसर सही है है ना आंसर निकल जाता है तो वैसे ही क्या होगा अगर आप इनफ टाइम इसके साथ लगाओगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा बाद में कि आंसर कैसे निकला ओके okay? वो ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट वो सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है कहीं जाके बट ये प्योरली प्रैक्टिस करने वाली चीज है ठीक है मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी बट अगेन आपको टाइम लगा के जैसे एडिशन मल्टीप्लीकेशन करते हैं लोग प्रैक्टिस वैसे करना पड़ेगा द मोर यू प्रैक्टिस इट बिकम्स एक और चीज यहाँ पे क्या होता है यहाँ हम जैसे नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस ठीक है राउटर्स है स्विचेसिंग कि आपको पता है जो नेटवर्क डिवाइस होते हैं बेसिकली इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपना एक विच इज अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे सिस्को के केस में आईओएस होता है इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं हम इसे असल में आप लैब करते वक्त सीख क्या रहे हो आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हो जैसे अगेन um, जितना ज्यादा कोई लेट से विंडोज चलाए तो क्या होता है लोग बोलते हैं इसको कंप्यूटर चलाना आता है है ना मतलब वो चलाने से आता है वो विंडोज की किताब पढ़ने से नहीं आएगा तो सेम थिंग इज हियर आपको ये आयोज के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा कि आपको अगर कोई नींद से भी उठाए कि भाई ये कर दे कॉन्फ़िगर तो आप कर दोगे बट okay. इसके लिए भी टाइम लगाना पड़ेगा आपको अब इसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको स्टार्टिंग में क्यों लगेगा क्योंकि ये कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेस है और जनरली लोग आ, कमांड चलाने वाले बैकग्राउंड से आते नहीं है मैक्सिमम लोग Uh, जब तक मजबूर ना किया जाए है ना तो जनरली आप यू नो माउस कर सर हिला हिलो के कहीं क्लिक करके कुछ करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको स्टार्टिंग में लगेगी बट यू स्पेंड इनफ टाइम ये कमांड्स चला चला के याद हो जाती हैं एंड देन यू नो हाउ टू वेल थिंग्स हाउ टू कन्फिगर थिंग्स एंड ऑल अब क्योंकि बहुत सारी यहाँ कमांड्स रहती हैं और उन कमांड से रिलेटेड ये होगा कि यार ये कमांड कब यूज होगी वो कमांड कब यूज होगी इसके लिए हमने कमांड गाइड बना रखी है आपके लिए बट देखो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये सारी किसी काम की नहीं है अगर आप इनके ले जाके बस शेल्फ पे रख दोगे कहीं मिट्टी खाने के लिए तो कोई फायदा नहीं होगा इसका तो ट्राई टू यूटिलाइज दीज आर टूल्स दैट वी आर गिविंग यू ओके एंड ये हमने बेस्ड ऑन पढ़ा पढ़ा के मतलब जैसे यू नो जब मैंने सीसीएन ने किया था तब तो ऐसा कुछ नहीं था बट जैसे मैं हूँ और ट्रेनर्स है यहाँ पे तो वी कीप ऑन यू नो ट्विकिंग दिस थिंग एंड अपडेटिंग दिस वेरी फ्रीक्वेंटली आई से कि कई बार हम साल में दो बार भी इसमें मॉडिफिकेशन तीन बार कर देते हैं टू एडजस्ट टू वॉट इज रिक्वायर्ड ओके तो अब उसका कोई फायदा नहीं है हमारे एक्सपीरियंस को हम निचोड़ के जो डाल रहे हैं इसमें अगर आप इसको यूज नहीं करो तो कमांड गाइड में क्या है कमांड गाइड में कमांड है उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है ऐसा एक सीक्वेंस में उनको ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि बहुत सारी कमांड्स आप यहाँ पे सीखने वाले हो घबराने वाली बात नहीं है कमांड सुन के डरना मत आई ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी स्मूथ तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे वो आ, उसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं बट जैसे आप सिस्को प्रेस की ऑफिशियल बुक्स आती हैं उनके आई थिंक आपको सॉफ्ट कॉपीज या कुछ ऐसा मिल जाएगा बट द मेन पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ये वाला जो है आपको ये आपको जितना ज्यादा आप यूज करो उतना अच्छा है ओके सो अगेन बिफोर वी स्टार्ट लेट मी शो यू कि सीसीएन है क्या है ना क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लैरिटी कम हो तो जैसे अगर हम सीसीएन सर्च करें सिस्को वेबसाइट पे चलते हैं बाकी कहीं नहीं जाने यहाँ पे आपको ये देखेगा कि मोटा मोटा दिस इज इज नो फॉर्मल प्रि रिक्वेज ओके एंड दीज आर द पॉसिबल जॉब रोल्स अगर आप इसका एग्जाम दो ओके okay, जरूरी नहीं है इंडिया में मैं बहुत सारे लोगों को आई वुड से मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ पीपल वर्क ऑन दीज थिंग्स विदाउट एनी सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन अगर एम हो तो कर सकते हो आप उसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं लगेगी जब हम ये सारा कॉन्टेंट कवर कर रहे हैं यही कॉन्टेंट आप एग्जाम के लिए तैयार करोगे अलग से कोई स्पेशल तैयारी नहीं है बट इंडिया में बिना सर्टिफिकेशन के भी बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी इफ यू डू द सर्टिफिकेशन ये तीन साल के लिए वैलिड होती है उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है सर्टिफिकेशन को ओके आई टेल पीपल ऑल सर्टिफिकेट्स एक्सपायर एक्सेप्ट यूर मैरिज सर्टिफिकेट तो दैट डर बाकी सारी सर्टिफिकेशन आईटी में जितनी है वो तीन साल दो साल कहीं ना कहीं जाके एक्सपायर हो जाएगी ओके सो okay? so, यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसका एग्जाम कोड बता रखा है वैसे आपको बाकी अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन हो एग्जाम कब होता है तो यू कैन शेड्यूल इट अकॉर्डिंग टू योर विल तो जब आपका मन करे आज भी करने का मन हो तो आप शेड्यूल एग्जाम पे जाओगे इट्स जस्ट लाइक बुकिंग अ मूवी टिकट थोड़ा एक्सपेंसिव बट ठीक है डॉलर में <laughs> तो वो मैं दिखा देता हूँ वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता कि हाउ हाउ डू यू शेड्यूल एन एग्जाम ओके तो इफ़ इफ़ यू गो टू ओके दिस इज काइंड ऑफ द ओवर एंड इफ यू ओपन दिस तो ये इन्होंने डिटेल्ड लिखा हुआ है कंटेंट जो कवर होना चाहिए ठीक है यू कैन आल्सो डाउनलोड दिस एज अ पीडीएफ एंड यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से इस कंटेंट को लिख रखा है कहाँ गया Wait. ये रहा ठीक है सो इट्स अ वन ट्वेंटी मिनट्स एग्जाम अगर आप एग्जाम दो और ये डिटेल इन्होंने तीन चार पेज में यहाँ डॉक्यूमेंट लिख रखा है कि ये सब आना चाहिए आपको ठीक है ये सब हम वैलिडेट कर लेंगे ये सब लैब्स uh, कर लेंगे इसमें बहुत सारी जगहों पे जहाँ आपको कन्फिगर वेरीफाई दिख रहा है दिस डेफिनेटली मीन्स कि आपको इसकी कॉन्फिग्रेशन लैब करना डिवाइस पे काम आना चाहिए जहां वेरिफिकेशन लिखा हुआ है तो uh, जैसे ये लिखा है कन्फिगर वेरीफाई दीज थिंग यू शुड बी एबल टू कन्फिगर दीज सो दिस टेल्स यू कि ये कितना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है क्योंकि अल्टीमेटली uh, देखो प्रॉब्लम uh, क्या है मतलब कंपेयर टू यू नो वो डिग्री वाला एजुकेशन वर्सेस दिस हैंड्स ऑन कुछ होता नहीं है तो आप थियोरिटिकली पढ़ सकते हो किसी चीज को कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको किसी चीज पे काम करना नहीं आता तो होल uh, कंटेंट मैं इसको पढ़ पढ़ के डराऊंगा नहीं आपको बट अगर कहीं से भी आप सी सी कर रहे हो बेसिकली अगर इसमें से चीजें मिसिंग है मतलब मान लो नहीं कराया इसमें से कई टॉपिक्स तो दैट मीन सीसीएनए नहीं हो रहा है कुछ और ही हो रहा है ठीक है तो ऑब्वियसली मैं आपको ये दिखाता नहीं अगर हम नहीं करते ऐसा यहाँ पे कि सारा कंटेंट कवर हो रहा है कि नहीं एंड सेम इज ट्रू फॉर अदर सिस्को सर्टिफिकेशन एज वेल ओके तो जैसे आप uh, देखोगे यहाँ पे सिस्को yeah. की बहुत सारी सर्टिफिकेशन है पी सी एन एज वन प्रोफेशनल है एक्सपर्ट है सो यू कैन स्पेंड योर ऑलमोस्ट होल करियर डूइंग ऑल द थिंग्स इन नेटवर्किंग एंड स्टिल uh, ये खत्म नहीं होगा सारा मामला ठीक है uh, मैंने भी काफी साल लगा चुका हूँ बट स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल रिमेनिंग ओके सोश इफ यू लुकट दिस ठीक है सी सी एन ए सी सी एन पी सी सी आई जनरली थ्री लेवल्स ये सर्टिफिकेशन uh, के इन्होंने रखे हुए हैं वेयर वन इज एसोसिएट अनदर इज प्रोफेशनल एंड थर्ड इज एक्सपर्ट ओके तो जैसे देखोगे ये सारे सर्टिफिकेशन हैं एंड आप जो कर रहे हो दैट इज दिस थिंग तो बहुत कुछ है और पढ़ने को बट मैनी थिंग्स बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दिस तो फाउंडेशनली आपका ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से आता हो आपको ये जरूरी है बहुत सारी और सर्टिफिकेशन के लिए ओके okay. तो सर्टिफिकेशन देना हो नहीं देना बट नॉलेज तो चाहिए होगा ना मतलब लाइक सपोज आई वांट टू गो फॉर आपको जब यहाँ इसकी बात हो रही होगी सी सी आई ठीक है इनफैक्ट सीसीएनपी भी आप देखोगे जैसे uh, तो इन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी डोमेन्स बना रखे है नेटवर्किंग इज कॉम्प्लेक्स तो जैसे ये डेटा सेंटर नेटवर्किंग का है ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये वॉइस ओवर आईपी वगैरह से रिलेटेड है ये फायर वीपीएन ये सब सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्किंग तो काफी डोमेन्स हैं विद इन नेटवर्किंग इनफैक्ट आप इसमें एक डोमेन पकड़ के भी अगर करो तो करियर ओवर कर सकते विद नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेटर पीपल जनरली डाइवर्सिफाई तो इवन आई रिकमेंड पीपल कि शुरू में आपको क्या करना चाहिए शुरू में आपको स्पेशलाइज करना चाहिए किसी एक को पकड़ के, उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली शुड डाइवर्सिफाई इन टू अदर टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी सीनियर लेवल पे फिर uh, हो सकता है टीम को लीड करो या मल्टीपल टीम में डिस्कशन हो रहा है कुछ ऐसी चीज में इन्वाल्व हो तो इसलिए

ये आप देखो कह रहे हैं ना कैंडिडेट ऑफ एन हैव थ्री टू फाइव ऑफ एक्सपीरियंस इंप्लीमेंटिंग बट कोई ऐसा नहीं है कि सीसीएनपी तभी हो सकता है जब सी होगा ऐसा कुछ नहीं है तो uh, जो आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं उनका लगभग सिस्टम uh, ऐसा रखा है इन्होंने कि एक कोर एग्जाम देते हो प्लस एक कंसंट्रेशन एग्जाम देते हो देन यू नो यू बिकम सीसीएनपी सो वॉट डू वी मीन बाय दैट जैसे अगर हम यहां देखें दिस इज द कोर टेक्नोलॉजी एग्जाम ऑफ दिस थिंग एंड कोर जैसे किया हुआ एंटरप्राइज नेटवर्किंग कोर एग्जाम ये और इन में से कोई एक ओके okay, जो ये दिख रहे हैं आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इन आठ में से कोई एक प्लस दिस तो आपको सी सर्टिफिकेशन uh, मिल जाएगी ओके ऑलमोस्ट सारों में ही ऐसा है तो दिस इज नॉट इवन जस्ट वन ट्रेनिंग और वन बुक ओके ये मल्टीपल चीजें हैं और अगेन uh, uh, ऐसा होता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन जब आप पढ़ोगे तो इसको एक्सप्लोर करोगे देन देयर इज यू नो एसडीए सॉफ्टवेयर डिफाइंड लैंड तो इसको एक्सप्लोर करोगे दिस इज अदर थिंग्स तो ये काइंड uh, ऑफ kind of, और ऑलमोस्ट इन्होंने सारे चीजों में आपके ऑटोमेशन के सर्टिफिकेशन के एग्जाम रिलेटेड भी चीजें डाली हैं तो जैसे आपने सुना ही होगा कि ऑटोमेशन ये कर देगा ऑटोमेशन वो कर देगा एआई ऑटोमेशन एआई ऑटोमेशन करते रहते हैं आजकल तो इफ यू आर ऑन द गुड साइड ऑफ ऑटोमेशन आई टेल पीपल इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव ओके गुड साइड ये होगी कि आप ऑटोमेशन कर रहे हो बैड साइड ये होगी ऑटोमेशन कोई और कर रहा है तो फिर आपकी जॉब खतरे में सकती है तो इट मेक सेंस कि अगर आप टेक्नोलॉजी अब अपने आप को अपग्रेड करते चलो ठीक है um, कई और सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग हमारे यहाँ चलती है तो आई एम नॉट सारे चीजें करनी है बट ग्रेजुअली जैसे आप ये देखोगे दिस प्योरली एंड ऑटोमेशन रिलेटेड स्टाफ ओके और जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिस्को में ही है सारा कुछ देर आर इवन अदर मैन्युफैक्चर डिफरेंट डिवाइसेस कुछ फायर बहुत अच्छी बनाते हैं तो सीखने को बहुत कुछ है ओके? Okay? मतलब बोरिंग नहीं है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं CCNP, आपने देख लिया ऐसा ही इसमें भी है मतलब, जैसे, say, देखेंगे, तो यहां पे भी और वाला वैसा ही मामला रहेगा ये कोर एग्जाम है इनमें से कोई कंसंट्रेशन एग्जाम है सो देन कम्स सीसीआई सीसीआई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम माना जाता है आठ घंटे का होता है इसलिए तो आठ घंटे का कोई एग्जाम लेगा तो वैसे ही बंदा कहता है यार कौन देगा आठ घंटे का एग्जाम तो मतलब इसमें बेसिकली देर इज अ हैंड्स ऑन लैब एग्जाम दैट सिस्को कंडक्ट तो आप सिस्को के ही ऑफिस जाते हो किसी भी सीसीआई को करोगे तो जैसे इंडिया में आप सिस्को बैंगलोर ऑफिस जाते हो सुबह से लेके शाम तक उस दिन वहीं होते हो तो टास्क होते हैं कि ये टास्क कर दोगे ये पॉइंट्स मिलेंगे एंड ऑल जैसे ये देखोगे सच में आठ घंटे का ही होता है थोरी को कोई नहीं पूछेगा मतलब नहीं है किसी को. Uh, वो आप सी सी आई नहीं बना ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इफ यू फेल द एग्जाम मोस्ट will विल have okay so cci maine diya tha तो मैं पंद्रह डॉलर का बर्गर खा के आया था फेल हुआ था जब तो उससे एक्सपेंसिव लंच मैंने तो नहीं किया है <laughs> बर्गर ही दिया था मतलब मेरे को बाद में लगा यार कम से कम लंच ही और दे देते कुछ तो <laughs> <laughs> फेल होने के बाद तो बंदा सोचेगा ना कहीं से तो कुछ सो फॉर आई पास द एग्जाम तो uh, अब इसकी फीस भी थोड़ी बढ़ा दी उन्होंने okay, जब मैंने दिया था जी नहीं होता था अब भारत सरकार भी अपने थोड़े से बोलती है लाओ हमें भी दे दो थोड़े तो आई थिंक सिक्सटीन हंड्रेड डॉलर प्लस आप जीएसटी uh, लगा लो इसमें अठारह परसेंट तो जीएसटी डॉलर्स में देने में बहुत दुख होता है मतलब uh, टैक्स INR वाले आपको लगेगा ले लो कोई नहीं बट डॉलर में तो मतलब कम से कम सो दिस इज द लैब एग्जाम ओके एंड uh, uh, बहुत सारी uh, एक फिक्स्ड uh, इन्होंने जगहें रखी हुई हैं जहां पे आप ये एग्जाम दे सकते हैं। so, तो दीज आर द लोकेशंस। एनीवेज तो सम डे इफ इन केस आप प्लान ही कर रहे हो कि मैं नेटवर्किंग में करियर बनाऊंगा या बनाऊंगी तो सम डे यू मे गिव सीसीआई एग्जाम तो आई होप आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि वरना कई बार आपको पता ही नहीं होता दुनिया कितनी बड़ी है तो आप एम भी छोटे करते हो ठीक है तो आप ग्रेजुअली uh, गोल्स भी बड़े बनाने चाहिए ना मतलब लाइफ में और मतलब अगर छोटा ही इतना ही गोल बनाएगी कि सी सी करना है जी मुझे जिंदगी में तो फिर तो हो जाएगा <laughs> थोड़े महीनों में खत्म मामला राइट तो

आपको लॉग इन वगैरह करवाएगा हाँ पॉइंट इज की आ, आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते हो अपना एड्रेस बताओगे कि भाई मैं इंडिया में पुणे में हूँ दिल्ली में हूँ कहाँ हूँ एंड मोस्ट मेट्रो सिटीज के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको आ, टेस्ट सेंटर्स मिल जाएंगे टेस्ट लेने का काम पेयरसन व्यू एक कंपनी है वो करती है ऑन बिहाफ ऑफ इसको फॉर दीज एग्जाम्स तो Uh, जैसे आपको कोई टेस्ट सेंटर से यू नो तो कोई नाम वहाँ दिख जाएगा जैसे थिएटर देखते हो आप सिलेक्ट करोगे वहाँ स्लॉट्स दिख जाएंगे आपको जो फ्री स्लॉट्स होंगे डेट्स दिख जाएंगी डेट्स से सेलेक्ट करोगे स्लॉट्स दिख जाएंगे तो उनसे सिलेक्ट स्लॉट फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो पेमेंट करनी होगी एग्जाम की एग्जाम देने के लिए आप ऑनलाइन भी दे सकते हो मतलब वगैरह सारा कुछ रख के जुगाड़ उगाड़ कोई फिट नहीं हो पाता इसमें ऐसे मत सोचना कि अरे दूसरी तरफ दोस्त को बिठा लूंगा एंड ऑल बिकॉज दे टेक इट वेरी सीरियसली वो कॉलेज वाले जैसे कोविड में कई लोगों ने एग्जाम दे दिए वैसे नहीं होता तो आई रिकमेंड पीपल ऑनलाइन दो आप सी सी एन ए का एग्जाम स्टार्टिंग में क्योंकि इट मेक सेंस जैसे क्या है प्रॉब्लम uh, जैसे मान लो आप ऑनलाइन एग्जाम देने बैठे अब लाइट चली गई इंटरनेट चला गया कुछ चला गया तो आप परेशान रहोगे तो यू नो साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा बिकॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस वाइज तो मैं जनरली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या करो आप किसी टेस्ट सेंटर पे जाओ वहां क्योंकि आपको इंसान मिल जाएगा कोई जो आपको एग्जाम को यू नो वैलिडेट इनलेट कर रहा होगा कि कोई पर्ची वर्ची तो नहीं लाए हो वगैरह टाइप ठीक है बाकी कैमरे वैमरे लगे होते हैं तो uh, थोड़ा ह्यूमन टच हो जाता है एक तो कि मान लो कुछ इशू हो रहा है तो किसी को तो भाई ये नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा <laughs> uh, या इफ इन केस देर इज इसलिए आई रिकमेंड पीपल टेस्ट सेंटर में जाओ ठीक है तो कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के अभी तक की जो हमने बातें की उसमें या कोई क्लरिफिकेशन किसी को हो कि ये होता है वो होता है कैसे होता है क्या होता है, क्या होता है कोई और कुछ चीज आपके दिमाग में हो अगर जाननी होगी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है ये सबसे कॉमन एक मिथ है कि सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है सो सर्टिफिकेशन एक्चुअली क्या है uh, देखो सर्टिफिकेशन कब मैंडेटरी करती हैं कंपनीज जब कंपनीज को प्रोजेक्ट लेने होते हैं ठीक है एक्स वाई सी कंपनी है इनको नेटवर्क संभालने का प्रोजेक्ट देना है ठीक है इंडियन किसी आईटी कंपनी मान लो अब शो ऑफ करना पड़ेगा आईटी कंपनी को अरे हमारे पास इतने लोग हैं ये हैं वो हैं इतने क्वालिफाइड हैं हो गई ना मतलब तभी तो वो कन्विंस हो गए ना कि चलो ठीक है दे देते हैं इनको संभाल लेंगे हमारे नेटवर्क को भी खराब नहीं करेंगे कुछ वंस uh, दीज uh, okay, में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है is, जैसे मान लो तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया जी इन्फोसिस आप संभालो एक्सेंचर आप संभालो या टीसीएस आप संभालो ये वो वगैरह और भी बहुत सारी कंपनीज है ठीक है छोटी बड़ी तो एक बार वो साइन हो गया ना अब प्रोजेक्ट इन्हीं के पास है नाउ वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम कि जो लोग आए उनके पास नॉलेज हो और वो उनके नेटवर्क को बिठा नहीं दें वरना कोई टर्मिनेशन जरूर हो जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट का कि भैया ठीक है तुमने तो ये कांड कर दिया हमारा आउटेज हो गया इतने डॉलर का नुकसान हो गया बिलियन मिलियन कुछ लगा लोगों के तो व्हाट दे लुक फॉर इज नॉलेज होना चाहिए समझ रहे हो मतलब जैसे कोई बंदा गया उसकी जगह आप हायर हो रहे हो तो दे जस्ट रिक्वायर नॉलेज तो इस चक्कर में ना इंडिया में इतना सर्टिफिकेशंस uh, कई बार लोग लुक नहीं कर रहे होते हैं कंपनी मतलब गुड टू हैव होता है बट मस्ट हैव ऐसा नहीं होता ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर और ये yeah, है, है सर ये आनंद अह uh, सर भैया पूछ रहा था कि ये हमारी जो बैच है वीकेंड वाली अह okay. ये कितने दिन की तक कितने क्लासेस होंगे इसमें ओके okay. देखो मैं वैसे बता रहा हूं जनरली दिस इज

Uh, देखो लगभग आप मान के चलो uh, ये एटी टू हंड्रेड आवर्स ऑफ ट्रेनिंग है ठीक है ये मैं इतना बीच में गैप uh, क्यों ले रहा हूं क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी चीज कितने आप में से समझ लेते हैं रफली आप मान के चलो एटी uh, आवर्स का एक्सप्लेनेशन तो लग जाता है ट्रेनर का ठीक है अच्छा तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप देख लेना अच्छा बीच में क्या है कुछ ना कुछ आएगा अभी होली आएगी कुछ आएगा मेरे को नहीं पता उसमें से वीकेंड में क्या आएगा कुछ ना कुछ किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि जिस दिन छुट्टी होगी तो इसलिए थोड़ा ना मैं जनरली वो टाइमलाइन देना डेट वाइज प्रेफर नहीं करता ओके okay? कि सर आपकी ना एक वीडियो पड़ी हुई थी YouTube पे तो वीक डेज वाली उसमें आपने बोला था कि 50 से 55 क्लासेस लगती है मेरी कंप्लीट हाँ, करने में तो वो भी मैं वही बोल रहा हूँ ना देखो uh, 45 फाइव टू फिफ्टी क्लासेस जो मैंने वीकडेज में भी बोला हुआ है वो भी आप देखोगे ये यही है दो घंटे की क्लास वीकडेज में होती है ये 90 घंटे ठीक है हम्म तो वही 80 टू हंड्रेड नाइनटी आवर्स ऑफ ट्रेनिंग टाइम में बोल रहा हूँ okay. ठीक है ठीक है सर कोई नहीं। इतनी जितनी जितनी ट्रेनिंग जाएंगे आप माइनस करते चलना <laughs> ये हमारी बैठी तीन घंटे की टाइम है नाइन नाइन टू ठीक है सर सर नहीं ना यूट्यूब तो तो अच्छा से एक्सप्लेन किया तभी मैंने फिर ज्वाइन किया तो आपने बोला मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें तो इसलिए हाँ सर ये क्वेश्चन और था मेरा इफ यू डोंट माइंड रिगार्डिंग माय लाइक इंटरेस्ट सर मुझे ना मैं पहले नेटवर्क पे काम कर रहा था ठीक है mm -hmm. तो मैक्रेस वगैरह था उसमें लेकिन अभी एल थ्री नेटवर्क में मुझे प्रोजेक्ट आया उस पर मैं काम कर रहा हूँ बट कुछ ना उसमें ना मुझे काफी इंटरेस्ट नहीं आ रहा सर मतलब आई वाला जो है ना कॉन्सेप्ट तो उसमें काफी दिक्कतें मतलब प्रॉब्लमेटिक है वो चीज है तो उसके लिए मैं क्या करूँ इसलिए आपसे सजेशन मांग रहा था मैं देखो इंटरेस्ट इसीलिए नहीं आता है किसी चीज में क्योंकि नॉलेज नहीं होती है तो होपफुली आपका सीसीएनए पढ़ने से इंटरेस्ट बढ़ जाना चाहिए उस चीज में जो भी आप कह रहे हो और अगर स्टिल नहीं आएगा तो और पढ़ लेना कि इसमें कितना जोर लगने वाला है मुझे क्या करना पड़ता है एंड ऑल क्लैरिटी थॉट का पूरा आ जाता है तो अगर आपको वो क्लैरिटी है तो द ओनली वे टू की का, काम नेटवर्किंग में ही करना है तो द ओनली वे टू

ठीक है सर इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया पहले ही कि अभी तो L1 प्रोफाइल में ही डाला हुआ है तो इसलिए आपसे पूछा मैंने कि L1 L2 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं होता है ऐसा आ, कुछ आपको थोड़ा आ, आपकी कंपनी में कुछ ऐसा सिस्टम अलग होगा मे बी बट ऐसा जब आप L1 बोलते हो L1 L2 L3 दिस थिंक ऑफ इट लाइक स्केल्स ऑफ जैसे होता है ना स्केल 1 ऑफिसर स्केल 2 ऑफिसर स्केल 3 ऑफिसर या कुछ इस टाइप का तो ऐसा जरूरी नहीं है l1 वाले को राउटर पे काम करने नहीं दिया जाएगा दिस इज स्टार्टिंग ऑफ माय करियर है ना इसलिए आपसे पूछ लिया कि आप कुछ अपना नहीं मैं बता रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं है थोड़ा सा क्या करूं मैं अपने उस पे तो बेटर कर पाऊं अपने फील्ड में ठीक है कोई नहीं और किसी का कोई क्वेश्चन ओके थैंक यू सर तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग क्या है And, uh, कैसे कैसे हम क्या क्या सीखेंगे यहाँ पे सो so, जनरली लोगों को बताना नहीं पड़ता कि नेटवर्क क्यों जरूरी है है ना मतलब आजकल तो, आज तो लोग खुद ही मोबाइल देखे हो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है बहुत प्रॉब्लम है है ना तो नेटवर्क आप अगर हम टेक्निकली बोलें तो वी से कि फुली इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ कॉल्ड नेटवर्क और नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी डोमेन को आप देखते हो ना देखो एक होता है कि एक एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी डोमेन को देखना और एक होता है कि उसमें यू 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 नो आर द टेक गाय और गर्ल फॉर दैट थिंग ओके तो इसमें फर्क होता है कि जैसे आई एम एन एंड यूजर ऑफ अ कार ओके बट आई डोंट नो उसमें क्या होता है ये वाली शाफ्ट उसको धक्का मारती है किसको क्या करती मेरे को पता है पैडल दबाता हूँ गाड़ी दौड़ती जाती है काम खत्म ओके

तो मैं थोड़ा सा आपको पहले यू नो स्केल समझाना चाहता हूं और अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं अगर आप में से कोई थोड़ा जनरल नॉलेज अच्छी गेन करके रखा हुआ है इंटरनेट वगैरह की तो वो हो सकता है ऑलरेडी जानता हो uh, ये कुछ चीज है ओके okay? सो so, uh, काफी बार लोगों को लगता है यार नेटवर्किंग क्या है केबल्स जोड़ो या वाईफाई का पासवर्ड डालो चलता है अपने आप है ना क्या टेंशन है इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है कुछ पता नहीं इंजीनियर क्यों रखते लोग इसके लिए राइट तो नेटवर्किंग इज नॉट जस्ट अबाउट कनेक्टिंग केबल्स ठीक है क्योंकि uh, ऐसा है हम यहां क्या करते हैं आपको नेटवर्किंग वाले लोग बहुत सारे ये वर्ड यूज करते हुए मिलेंगे प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल और हम यहाँ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे भी ठीक है प्रोटोकॉल होता क्या है uh, जैसे देखो हमने कंट्री को गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना ओके? तो उसमें क्या है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए ना कि चोरी करना जुर्म है ठीक है मर्डर नहीं करना है वगैरह वगैरह ठीक है ऐसी चीजें लिखी हुई है एंड वी ट्राई टू फॉलो दीज रूल्स तो प्रोटोकॉल जैसे अगर आप देखोगे प्रोटोकॉल भी रूल्स हैं बट दीज आर रूल्स फॉर कम्युनिकेशन जैसे हम ह्यूमन कम्युनिकेशन की भी बात करें देर आर सर्टन रूल्स ठीक है जैसे हम बात कर रहे हैं तो कॉमन लैंग्वेज यूज करेंगे वरना कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा राइट तो इफ आई सडनली स्टार्ट स्पीकिंग टू फास्ट हो सकता है कुछ लोगों को समझना है टू स्लो बोरिंग हो जाए तो स्पीड टाइमिंग ये भी मैटर करती है या मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही सुनेंगे राइट right? जो ऑफलाइन आ रही क्लास में वो ऑफलाइन रहेंगे सो so, नेटवर्किंग में भी आप क्या करते हो जब आप डिफरेंट डेटा को ट्रांसमिट करते हो उसके हिसाब से ना हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि जैसे ए से बी में ट्रैफिक जाएगा तो ऐसे जाएगा उसमें हम टुकड़े कर, कर करके भेजेंगे एंड ऑल तो मैं आपको आज की क्लास में बहुत सारी चीजों का वो ओवरव्यू देता चलूंगा काइंड ऑफ लाइक वो था ना करेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे हम काफी सारे आज नए नए टीवी सीरीज के हिसाब से ओके okay. <laughs> तो कोशिश करना आप इस इसको थोड़ा सा याद रखो कि क्या क्या किस चीज के हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि इसके साथ रिलेट होगी बातें आगे सो मॉडर्न नेटवर्क कैरी यू नो वॉइस वीडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स और अब आपको लगता है मोस्ट कॉमनली कि यू नो इट इज ऑल सेम इट डज नॉट इवन मैटर कि ऑडियो जा रहा है या वीडियो जा रहा है या, या ये बट सोच के देखना ओके अगर ये आप इन तीन अलग अलग टाइप के ट्रैफिक की भी बात करो ना इनमें फर्क है फर्क कैसे है जैसे अगर आप नॉर्मल डेटा ट्रैफिक की बात करो ठीक है कोई टेक्स्ट ग्राफिक्स वगैरह या फाइल डाउनलोड वगैरह की बात करो आप जितनी बैनविट दे दो मतलब जितनी भी दे दो मतलब जैसे बोले मेरे घर पे पचास एमबीपीएस का कनेक्शन है मैं डाउनलोड लगाऊं वर्सेस आप सौ एमबीपीएस के कनेक्शन में डाउनलोड लगाओगे तो क्या होगा आपका तेज हो जाएगा तो अगर देखोगे तो डेटा का ट्रैफिक कहता है इट्स लाइक अ ग्रीडी पर्सन राइट जितना बेनिफिट दे दो तो उतना खा जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है जल्दी कर देंगे डाउनलोड ये वो वेयर एज मैनी अदर टाइप्स ऑफ ट्रैफिक ना जैसे अगर आप ऑडियो की बात करोगे ऐसा नहीं है ठीक है जैसे सपोज करो मैं एक ऑडियो कॉल कर रहा हूँ चाहे व्हाट्सएप से ही कर ठीक है उस ऑडियो में अब आप चिल्लाओ आप चुप रहो या आप यू uh, नो uh, you know, जोर जोर से मोटी आवाज में बात करो या पतली आवाज में बात करो उसका उतना ही यूजेज है आपके पास घर पे पचास एमबीपीएस का कनेक्शन है या सौ एमबीपीएस का कनेक्शन है उससे फर्क नहीं पड़ता ओके okay? जितना बैंडविड्थ उसको चाहिए उस वक्त उस कॉल के लिए वो मिल गया तो ठीक है राइट right? अब मैं आपको यहां ओवरव्यू क्या दे रहा हूं क्योंकि आप ऐसे सोचते नहीं हो इस चीज के बारे में ठीक है बिकॉज आप एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इसको और अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जैसे अगर आप एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो एक डाउनलोड कर रहे हो आप फाइल, ये स्लो हो रहा है वर्सेस ऑडियो अटक अटक के चल रहा हो ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कौन सा होता है ना ऑडियो वाला कि यार कॉल काट दे छोड़ रहे हैं दे। ये वाला फिर भी बोलोगे ठीक है कोई नहीं चल चाय बना के आता हूं तब तो तो तक जब तक डाउनलोड हो रहा है सो so, ऐसी चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ता है एज अ नेटवर्क इंजीनियर ओके थोड़ा डेप्थ में नॉट नॉट जस्ट एज एन एंड यूजर की सब बराबर है जी अब हम एक दो टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जैसे कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट क्या है ये क्लियर कर देते हैं तो अगर आप देखोगे इंटरनेट है क्या और बनाया कैसे काफी लोगों को लगता है इंटरनेट बनाने का पर्पज था फेसबुक चलाएंगे इंस्टाग्राम करेंगे ऐसा कुछ था नहीं असल में मतलब अगर आप हिस्ट्री में जाओगे इंटरनेट बनाने का सोचा था डार्पा वालों ने डार्पा इज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर आता है अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस किस लिए करेगा ये फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए तो बनाएगा नहीं चीजें तो द एम फॉर क्रिएटिंग इंटरनेट वॉज प्योर मिलिट्री पर्पज कि भाई हमें क्या करना है हमें एक नेटवर्क बनाना है क्यों बनाना है नेटवर्क एट टाइम्स ऑफ वॉर सबसे प्रॉब्लम बड़ी जो होती है वो होती है मिस इन्फॉर्मेशन की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि अरे वो ए बचाने कोई आर्मी नहीं आ रही है आपको अब हम मार देंगे सबको ये कर देंगे वो कर देंगे या हमने वो शिप गिरा दिया ये प्लेन उड़ा दिया शायद सुना भी होगा चलते फिरते अपने करंट जो भी छोटी मोटी लड़ाइया चल रही हैं या बड़ी बड़ी लड़ाइया चल रही हैं रशिया यूक्रेन इसराइल ये वो तो उसमें भी आप सुनते होंगे ऐसा कुछ नहीं सुना होगा तो भी होता ही, ही है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है अब नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है अगर आपके पास कनेक्टिविटी है वैलिडेट कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन को तो उनका एम ये था कि भाई हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो वॉर के टाइम पे भी न, ना डाउन ना जाए एंड यू कैन सी द एविडेंस ऑफ इट इन दीज करंट डे एंड एज कन्फ्लिक्ट चल रही है वॉर एंड ऑल बट ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के लोग उस पर नहीं है इंटरनेट पे जैसे वो वीडियोस पोस्ट होते हैं या कुछ ये वो कहाँ से आता है वो So, ट देखोगे ना आप तो इट इज मतलब, करते हैं uh, country invades B, उनका एम था कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्डिंग विल्डिंग पे कब्जा हो जाए और बोले भाई खत्म हो गया जी अब अब हमने इंटरनेट बंद कर दिया आप कर भी नहीं सकते क्यों क्योंकि इंटरनेट बना कैसे है इट्स बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आपने बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते जा रहे हो एंड उससे इंटरनेट बना रहे हो मतलब ये एक भी ये नेटवर्क है इसमें भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं आपस में अंदर ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस वाला नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़ा तीसरे नेटवर्क के साथ जुड़ा सो दिस टेल्स यू द डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ इट जैसे मान लो हम ये बिल्डिंग का कब्जा कर ले पूरा जी ठीक है ना बंदूक के बंदू के लेके हमने कब्जा ले लिया तो आप इतना पार्टी डाउन करोगे ना ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सब कर दिया हमने एंड uh, उस पर से अब जब सैटेलाइट के थ्रू ज्यादा इंटरनेट चलेगा जैसे एलोन मस्क वगैरह कोशिश कर रहे हैं स्टार लिंक वार लिंक तो फिर तो ये और मुश्किल हो जाएगा फिर तो इंटरनेट डाउन करने तो क्या करना सैटेलाइट उड़ा दो जी सो वाई एम ट्राइंग टू गिव यू दिस माइंड सेट इज की क्योंकि एज एन एंड यूजर माइंड सेट क्या आता है अरे यूट्यूब के लिए बनाया था वीडियो देखने ठीक है ऐसा था नहीं तो इफ यू इवन लुक एट जैसे इन्होंने इसका नाम रखा था आरपा नेट ओके यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्टी नेटवर्क और काफी पहले से बनाते आ रहे हैं ये जैसे ये डायग्राम बनाया था इन्होंने मार्च 1977 का डायग्राम है ये कि ऐसे ऐसे हम यूएस जोड़ेंगे तो इंस्पिरेशन ये वो वगैरह पढ़ सकते हो फ्री टाइम में इफ इन केस नहीं तो कोई यूट्यूब वीडियो में कोई बता देगा कि दोस्तों क्या आप जानते हैं ओके इंफॉर्मेशन फेक फना देते हैं वैसे <laughs> ऐसा होता है सो so, इंटरनेट अगर अब हम करंट डे एंड एज की बात करें तो कैसा बना हुआ है देन देर आर बिजनेस पीपल आर होस्टिंग समथिंग विच यू एक्सेस एंड देन देर आर सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे आप बोलते हैं आई से मैंने कनेक्शन ले लिया तो जैसे सपोज करते हैं किसी बिजनेस ने अपने बहुत सारे सर्वर्स लगा रखे हैं एक वेबसाइट होस्ट की हुई है तो मैं अपने घर से एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ थ्रू सर्विस प्रोवाइडर ठीक है और वो भी सर्विस प्रोवाइडर भी एक नहीं है बहुत सारे एंड उससे ये रिक्वेस्ट उधर तक जाती है वेब पेज लोड होता है या वीडियो देख रहे हैं जो मर्जी कर रहे हैं तो सबसे ब्रॉड आपके ये तीन एलिमेंट्स हो गए इसके अब जो ये सर्विस प्रोवाइडर हैं इनमें भी क्योंकि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दुनिया में इन्होंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है दैट थ्री आई एस पी टेयर वन आई एस मतलब बहुत बड़े बड़े आईएसपी एस जैसे आप देखोगे दुनिया में तेरह चौदह आईएसपी ही हैं जो टेयर वन आई हैं वर्ल्ड वाइड क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आईएसपी हैं इफ यू लुक एट टेयर वन आईएसपी तो आप अगर यहाँ देखोगे सिर्फ ये लोग हैं ओके जो टेयर वन आईएसपी हैं ये बहुत बड़े बड़े आईएसपी हैं कितने बड़े बड़े जैसे आप देखोगे इतने फाइ लाख किलोमीटर का फाइबर बिछा रखा है इन्होंने वर्ल्ड वाइड तो काफी बड़ा हो गया नहीं इंडिया का इसमें टाटा है ओके पहले वीएसएनएल होता था विदेश संचार निगम लिमिटेड बी नहीं वी एस लोग होता था एक फिर वी एस टाटा वालों ने एक्वायर कर लिया था तो टाटा का भी आप देखोगे बहुत बड़ा नेटवर्क है सात लाख किलोमीटर मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इसमें आता है ठीक है बाकी कोई नहीं है ये Jio Vio सब छोटे ISP हैं आपके लगते हैं बड़े बट एंड यूजर को लगते हैं नेटवर्क वाले के हिसाब से नहीं है ओके सो तो, um जैसे आप देखोगे ये टियर 1 ISPs हैं जैसे AT&T यूएस में है ठीक है ऐसे GTT है बहुत सारे हैं आ, अब मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रहा था बेसिकली आप कह सकते हो कि इन्होंने क्या कर रखा है इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क बना रखा है जैसे अगर हम बोले कि टाटा ने किसी एक जगह नहीं बना रखा है ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रखी होंगी जिनमें बहुत सारे डिवाइसेस होंगे जिनको आपस में जोड़ रखा होगा और कई बार ना हम ऐसी चीज में ना डिटेल में नहीं जाना चाहते कि कहाँ क्या, क्या, क्या किससे जोड़ रखा है तो आपको जनरली नेटवर्क इंजीनियर ऐसे केस में ना बादल बनाता हुआ दिखेगा कि अरे ये टाटा का नेटवर्क है मतलब हम डिटेल में नहीं जा रहे उसकी हम बस ये बोल रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन का नेटवर्क ये ठीक है ठेके? तो जैसे बोले है जी एक और सर्विस प्रोवाइडर है ये उनका नेटवर्क स्प्रिंट है है, है बहुत सारे हैं और तो ये उनका नेटवर्क अब मैं ये एक एक डंडा बना रहा हूं तो दैट मीन एक कनेक्शन लगा रखा है ऑब्वियसली इन्होंने भी बहुत सारे कनेक्शन लगा रखे होंगे और अब आप बोलोगे अगर सर्विस प्रोवाइडर को आपस में जुड़ने की जरूरत क्या है जैसे कोई कस्टमर है इंडिया में जिसने टाटा से कनेक्शन ले रखा है और मान लो उसका दोस्त है यूएस में कहीं जिसने एन से कनेक्शन ले रखा है इनके बीच में कम्युनिकेशन तभी होगा ना जब ये दो सर्विस प्रोवाइडर जुड़े होंगे ओके okay? वरना तो नहीं होगा तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक नहीं होगा इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे इन्होंने जोड़ रखा तो टेयर फन आई पी जो है ये बहुत बड़े बड़े आई एस पी है ये क्या करते हैं ये ना आपस में बोलते हैं भाई हम भाई भाई हैं ओके भाई भाई मतलब पैसा नहीं लेंगे यार एक दूसरे से ऐसे थोड़ी होता है मतलब भाई भाई है ठीक है तो ये आपस में जो कनेक्शन देते हैं ना इसके वो एक दूसरे से पैसे नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क है दूसरे आ, का ओके जैसे ऐसे देखोगे इसका छह लाख साढ़े छह लाख किलोमीटर का नेटवर्क है ओके इसका सात लाख किलोमीटर का नेटवर्क है अगर अगर आप इसको एक और एंगल से सोचो इतना बड़ा नेटवर्क जब किसी कंपनी का है किसी सर्विस प्रोवाइडर का तो जोग्राफिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए ना मैक्सिमम केसेस में वो अपने ही नेटवर्क से ले जा सकता है मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे यूएस में टाटा कम्युनिकेशन का कहीं कुछ होगा नहीं होगा तो अगर उसको सच में अब जाना ही यूएस होगा ना और नहीं आना होगा इधर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे तो वो राउटिंग मोस्ट लाइकली अपने नेटवर्क से करेगा क्योंकि यहाँ पे बॉटल नेक बनता है इसका स्लो डाउन जितने आते हैं वो यहाँ आएंगे क्योंकि बहुत जो अब जब एक सर्विस प्रोवाइडर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर ले जाओगे क्योंकि ये घर यह की बात है उनकी राइट यहां वो दूसरे में घुस रहे हैं तो इसलिए भाई, भाई भाई चलते हैं हिसाब किताब में अपने की ये वाला लिंक तो तभी यूज करेगा ना भाई तू अगर मेरे पास किसी को भेजना होगा वरना तो क्यों यूज करेगा वरना तू अपने वाले से पहुंच जाएगा तो

बाकी हैं छोटे वाले एयरटेल जियो वीओ ये क्या करेंगे ये टेयर वन वालों से जुड़ेंगे जाके जाक, जाक, और जनरली अगेन ये भी मल्टीपल वालों से जुड़ेंगे मतलब ऐसा रेडी रखेंगे मतलब कोशिश करेंगे कि एक सर्विस प्रोवाइडर से ना जुड़े एंड इन ऑर्डर टू डू ऑल दिस फॉर टेयर वन और टेयर टू आई अगर आप देखोगे सो इवन थ्रू द ओशन व्हाट दे डू इज हैव केबल्स लेट डाउन इन ओशन जैसे अगर आप सबमरीन केबल मैप वेबसाइट पे जाओगे तो ओशन के बीच से मतलब बिल्कुल सरफेस पे कह रहा हूं मैं आपको ये हवा में नहीं मतलब हवा में तो नहीं बट पानी में नहीं टांग रखी है मतलब जब आप बोल रहे हो कि यहां से जी हमने एक फाइबर केबल ले गए हैं यहां से जहां भी तो जैसे वो होता है ना कि ट्रैक्टर लेके आप बीज डालने के लिए क्या करोगे जमीन उखाड़ोगे और उसमें बीज डालोगे ना तो वैसे ये सतह पे एकदम यू नो सरफेस ऑफ द ओशन पे केबल्स बिछा रखी है बहुत सारी बिछा रखी रखी है ना सो व्हेन यू से इंटरनेट दिस शुड कम टू योर माइंड ओके दिस इज इंटरनेट ओके जैसे आप पिछले देखोगे पहले ये सब इतने कनेक्टेड नहीं होते थे जैसे ये है ना ये लक्षदीप वाला भी एरिया या निकोबार वाला फिर उन्होंने इनको भी ढंग से कनेक्शन कर दिया तो यहाँ जैसे लक्षदीपीप घूमने फिरने भी जाते थे ना आजकल तो लक्षदीप बड़ा यू नो सुर्खियों में छाया हुआ था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक होता है ना आजकल क्या चाहिए होता है लोगों को नेटवर्क नेटवर्क अच्छा होना चाहिए यार स्पीड नहीं आ रही डाउनलोड नहीं हो रहा है लाइव कैसे जाएंगे लोग घूमने इसीलिए तो जाते हैं है ना तो ये देखोगे आप ये वाली अलग से यू नो काइंड ऑफ फाइबर बिछा रखी एंड दिस इज यू कैन सी 2020 अगस्त या yeah, ये वाला आप देखोगे लक्षदीप वाला दिस आल्सो रीसेंट मतलब पहले नहीं होती थी ये सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पे जैसे आप इसी को देखोगे अब ये वाली फाइबर ही इतने किलोमीटर की है 2000 हजार किलोमीटर और इसमें सिर्फ ओशन वाली हैं, ओके इनमें से कई कई बहुत सादा लंबी हैं। जैसे मैं ऐसे ही रैंडम किसी पे क्लिक करूं अगर तो यहां से देखोगे ये किधर से किधर किधर क्या क्या जोड़ दिया आपने मतलब एन यू इट तो आपको समझ में आ रहा होगा देखो कि क्या देश जोड़ दिए आपने और लैंड वाली कनेक्टिविटी अलग है सो देर इज मैसिव स्केल ऑफ इट ओके जैसे ये देखोगे अट्ठाईस हजार किलोमीटर की लेंथ है तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंटरनेट है क्या ओके okay. हो सकता है जनरल नॉलेज हो तो आपको ये पता हो नहीं पता हो तो मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा स्केल भी समझो कि क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है नेटवर्किंग क्यों इतने डोमेन बना रखे हैं वरना क्या होता है थोड़ा हम बड़े नैरो माइंडेड हो जाते हैं कि इंटरनेट चल रहा है बस वाईफाई नहीं आ रहा है मैं यू यू शुड हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग कि ओवरऑल डायनेमिक्स uh, क्या है इस चीज के वर्किंग कैसी है सो इफ यू लुक एट दिस इंटरनेट है क्या इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑफवर्क अब तो मान सकते हो आप कि बहुत सारे नेटवर्क जोड़ते 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 हमने इतना बड़ा बना दिया तो टेयर टू से जुड़े हुए हैं टेयर टू आई एस पी टेयर वन से जुड़े होते हैं देन एंड कंज्यूमर्स जो हो सकता है टेयर थ्री से जुड़े हो टेयर थ्री और रीजनल हो जाते हैं जैसे कुछ ऐसे आई एस पी देखे होंगे ना अपने जो नेशनल लेवल पे भी नहीं होते कई बार वैसा होता भाई ये मैं इस सिटी में होता हूँ या इस पर्टिकुलर स्टेट में होता हूं बाकी नहीं हूं तो देर इज अ सेकेंड टर्म ठीक है इंटरनेट तो आपको क्लियर हो गया होगा एक और वर्ड यूज होता है इंटरनेट इंटरनेट क्या है इंटरनेट इज बेसिकली इंटरनल नेटवर्क ऑफ अ कंपनी क्योंकि अगेन कंपनी भी अपना इंटरनल नेटवर्क बनाएगी और बड़ा बड़ा बना सकती है ये भी डिपेंड्स ऑन यू नो कितने ज्यादा आपके एम्प्लॉय हैं कितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं जैसे कई बार आपको सुनने को मिलेगा भी कि यार ये चीज कंफिगर करने के लिए ना आप वर्क फ्रॉम होम से नहीं कर सकते हो इसके लिए आप इंटरनेट में आने चाहिए सो so बेसिकली वो कह रहे हैं ऑफिस आ जाओ किसी किसी भी ऑफिस आ जाओ फिर वहां से हम ये चीज चला के दे सकते हैं आपको या कुछ ऐसा कई बार ऐसा सुनने को मिलेगा तो द मेन एम इज ऐसा ना हो कि आप इंटरनेट जब सुनो तो आप इंटरनेट समझ लो इंटरनेट और इंटरनेट में

रहे थे यार लोगों को अप्रिशिएट कर रहे नेटवर्क इंजीनियरों को कोई कुछ नहीं बोल रहा कोविड टाइम में ना जब लॉबिट्स लगा था मैं यार खुद तो मत सो यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम बिकॉज नेटवर्किंग इज देयर ओके एंड इट इंसो इंक्लूड्स द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर यूजिंग मैनेजिंग द नेटवर्क सो बेसिकली आप प्रोटोकॉल्स जैसे मैं कह रहा था कि रूल्स एंड रेगुलेशन है कम्युनिकेशन के इसकी ऑपरेशनल पॉलिसीज बना रखी होंगी कुछ आपने जैसे ये चीज अलाउड है ये चीज नहीं अलाउड है तो ये सारा कुछ नेटवर्किंग का पार्ट कई हम डिवाइसेस यूज करते हैं यहाँ नेटवर्क के लिए कंप्यूटर समझते हो लैपटॉप आप समझते हो सर्व होते हैं सर्व बेसिकली कंप्यूटर है इसमें बस सीपीयू रैम स्टोरेज ये थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू यू नो नॉर्मल पीसी ओके जैसे इसमें आप दो चार आठ कोर वाला सीपीयू लगाओगे यहाँ में भी एटी कोर ऑफ सीपीयू होंगे रैम ज्यादा होगी पांच सौ बारह जी रैम होगी या वन टीबी रैम भी हो सकती है ऐसे आपको मिल जाएंगे बड़े कॉमनली सर्वर स्टोरेज ज्यादा होगी तो बेसिकली कंप्यूटर है इट्स जस्ट दैट द स्केल ऑफ द रिसोर्सिस फॉर कंप्यूट कैपेसिटी इज मोर और ये आपको डायग्राम्स में आइकन्स मिलेंगे इस तरह के तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट डू वी मीन बाकी मैं इतना साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं सर्वर बनाना होगा मैं ऐसे कर दूंगा बहुत हो गया ओके okay? ऐसे नहीं कि मैं अब फिर ऐसे बना रहा हूं उसको फिर सजा रहा हूं तो मुश्किल हो जाएगा काम तो मेरे डायग्राम सीधे होंगे बट वैन यू लुक एट द डायग्राम्स यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कौन सी चीज़ क्या है इसलिए आईकन समझने जरूरी है देन देर इज आई पी फोन आई पी फोन आर डिवाइस दैट यू यूज टू मेक कॉल्स तो लेट मी शो यू जैसे जिसको ऐसे फ़ोन बनाता है और ये वैसा नहीं है मतलब जैसे वो लैंडलाइन फोन आप नॉर्मल समझते हो क्योंकि जैसे आप इस कंप्यूटर को लैपटॉप को सर्वर को अगर कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट कहाँ करोगे आप स्विच पे करोगे जस्ट टू बी क्लियर तो स्विच मतलब कुछ ऐसे डिवाइस ठीक है जैसे ये चार स्विच रखे अब इसमें बहुत सारे पोर्ट हैं आपके पास ऐसा लैपटॉप में एक पोर्ट होता है ठीक है ज़्यादा पतला होगा तो शायद रखा ही नहीं होगा आजकल डिवाइस पतला करने पे बहुत ध्यान है ना आई पर्सनली डोंट लाइक इट ठीक है ना मेरे हिसाब से यार डिवाइस हटे खट्टे होने चाहिए फिर गर्मी नहीं निकलती बेचारे से बाहर सब स्लीक डिजाइन पे फोकस है न? थोड़े अगर मेरे को तो लगता है मोबाइल भी मोटे मोटे रखे होते तो रैम अपग्रेडेबल होती इसमें भी। <laughs> so, switch है स्विच पे जैसे देखोगे बहुत सारे पोर्ट हैं। अब आप इसको किस लिए यूज करोगे जैसे मेरे को ये एक स्विच लिया मैंने स्विच का सिंबल कुछ ऐसा होता है यू कैन कनेक्ट लैपटॉप पीसी सर्वर वैसे ही आप आईपी फोन को भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि आईपी फोन के बैक साइड भी आपको वैसा ही पोर्ट मिल जाएगा जैसा पोर्ट आपने ये स्विच पे देखा या जैसा आपने लैपटॉप वगैरह में देखा होगा और जनरली हम केबल ड्रॉ करने के लिए ऐसी सीधे सीधे लाइन खींचते हैं कि भाई ये यहां से इधर जोड़ दिया हमने जैसे तो लैंड मीडिया या लैन केबल आपको जनरली सीधी ऐसे लाइन बनाई होगी देन हमारे पास राउटर होते हैं राउटर क्या है uh, जैसे आप सड़क पे जाते हो तो चौंक आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स आप नेटवर्किंग के हिसाब में इसको चौंक जैसा मान के चल फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है आगे चल के हम देखेंगे इस चौंक में थोड़ा फर्क है नॉर्मल चौक से बट वट हैपन्स एट एनी इंटरसेक्शन ऑफ अ रोड इज यू कम फ्रॉम वन साइड एंड देन टेक एन एग्जिट कि इस तरफ से चले जाते हैं उस तरफ से चले जाते हैं बेस्ड ऑन आप यहाँ पे बोर्ड देखोगे तो बोर्ड देख के आप बोलोगे अच्छा मुझे यहाँ जाना है तो यहाँ चले जाता हूँ यहाँ चले जाता हूँ कहीं तो उसके हिसाब से डिसीजन ले लेते हो आप बोर्ड देख के चाहोगे वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है जब आप बहुत सारे नेटवर्क जोड़ते हो जैसे मान लो एक नेटवर्क ऐसा बना दिया मैंने अब मान लो यहाँ पे एक स्विच यूज किया हमने कुछ और पीसी लगा दी ठीक है एक और नेटवर्क बना दिया तो हम क्या करेंगे इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से जोड़ने के लिए राउटर यूज करेंगे अभी मैं ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन में जा रहा हूं मैं डिटेल में नहीं जा रहा डिटेल में धीरे धीरे ये खुलता जाएगा आपको स्विच की हमने स्विचिंग के बहुत सारे काम करने हैं कई घंटे लगाने हैं इस पर ठीक है तो अगर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो ऑफ मत हो जाना कि यार इतना ओवर क्यों बोल रहे हो धीरे धीरे डीप जाएंगे ओके सो स्विच टू राउटर राउटर टू स्विच हम यहाँ पे अगेन इसके पास भी ऐसे ही पोर्ट्स होंगे जैसे आपने स्विच पे देखे अभी और ये भी कोई सिलेंड्रिकल डब्बा नहीं होता है दिखा दू ऐसे ही डब्बे होते हैं ये भी कहीं कोई सोचे गोल होता है राउटर शायद So, if we even for routers. तो so जैसे यहाँ देखोगे अलग अलग टाइप के राउटर हैं जैसे आप लैपटॉप लेते हो सारों में सेम प्रोसेसर रिसोर्सेस नहीं होते सेम रैम नहीं होती किसी में ग्राफिक कार्ड है किसी में नहीं है जितना ज्यादा आपको उसमें दम चाहिए उसके हिसाब से खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा वैसे ही यहाँ पे भी है जैसे अगर आप इनको देखोगे ये ब्रांच के लिए है ठीक है फोर थाउजेंड सीरीज ऐसे और भी हैं ये ब्रांच राउटर्स हैं ब्रांच राउटर्स मतलब हम ऑफिस की एक ब्रांच जोड़ने के लिए लगाएंगे इसमें ओके और इसमें भी देखोगे ये सीरीज है मतलब जैसे यहाँ देखोगे इसमें अलग अलग मॉडल है फोर टू टू वन फोर थ्री थ्री वन ये याद रखने की जरूरत नहीं है बट थोड़ा मैं ओवरव्यू देता चल रहा हूँ कि अलग अलग मॉडल मोटा मोटा डिफरेंस क्या होगा इसमें जैसे आप यहाँ इससे देख सकते हो परफॉर्मेंस का फर्क है ये एट पी कार्स वन पॉइंट टू जीबीपीएस हैंडल कर सकता है या टू जीबीपीएस ये फोर या टेन जी बी तो जितना ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करवाना होगा उतना थोड़ा बड़े मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा तो आपको जितनी बड़ी ब्रांच होगी जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ओके okay? और ये छोटे राउटर हैं ठीक है मतलब आपको हो सकता लगे यार टेन जीबीपीएस छोटा बोल रहे हो छोटा ही है ये ब्रांच के लिए है चैट करनी हो कर लेना मजाक कर रहा हूं जरूरत नहीं है आपको बट uh, जैसे आप यहां देखोगे अब सर्विस प्रोवाइडर वाले राउटर अगर देखोगे दीज आर वेरी वेरी बिग राउटर ओके जैसे आप ये वाले राउटर देखोगे ना ये एक छे फुट का इंसान हो उससे बड़ा है हाइट में ओके okay? पूरा एक रैक मान लो फोर्टी फोर आर यू मीन फुल अगर आपने कभी नेटवर्किंग डिवाइसेस का रैक देखा हो तो ये सर्च करते हैं यार फोर्टी फोर रैक यूनिट देखो छह फुट से ऊपर बोल रहा था मैं इतने फुट है ये ठीक है लगभग साढ़े छह फुट हो गया एक राउटर है ये अब ये किसको चाहिए ये सर्विस प्रोवाइडर को चाहिए अब ट्रैफिक भी देखो ना कितना प्रोसेस कर सकता है? ये टेराबाइट पर सेकंड लिखा है। क्योंकि एग्रीगेशन बहुत बड़ा हो रहा है सर्विस प्रोवाइडर के कोर में ढेर सारा ट्रैफिक आ रहा है ढेर सारे कस्टमर्स का हर कस्टमर को आप 100 एमबीपीएस का कनेक्शन दोगे तो सोचो ना वो एक ही बिल्डिंग में धीरे धीरे कितना इकट्ठा होता जा रहा है ओके सो इवन यू कैन लुक एट अदर राउटर अब लग रहा होगा कि हाँ छोटा ही राउटर है यार ये तो है ना सो <laughs> राउटर so, क्या है समझ में आ गया होगा दे कम इन ऑल शेप्स स्विचेस का भी ऐसा ही है स्विचेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं जितने ज्यादा पोर्ट चाहिए उसके हिसाब से लोग राउटर्स uh, आते हैं वाईफाई वैसे घर पे थोड़ा बहुत आपने तो देखा होगा चलते फिरते कहीं वाईफाई राउटर तो थोड़ा और ज्यादा बड़े स्केल पे करना हो तो सिस्को के डिवाइसेस आते हैं वाईफाई के लिए भी वायरलेस का डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे हमने पांच-छह घंटे इस पे लगाने हैं इसका भी प्रैक्टिकल वगैरह एक करेंगे वाईफाई डिनोट करने के लिए जैसे हमने दिखाना हो मैं तो ऐसे बनाता हुआ चलूँगा वैसे क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाता हुआ चलूंगा ये रंगोली डिजाइन टाइम लगेगा बहुत नहीं फिर हम ऐसे ऐसे आप में खत्म हो जाएगा तो में नहीं जाना चाहते है इनको आपस में हमने सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ दिया अब वो सर्विस प्रोवाइडर कौन से डिवाइस को किस बिल्डिंग से किस राउटर से कहा क्या ले जाता है वी डोंट केयर तो हम बादल बना देते हैं बोलते हैं, यहां से जोड़ा यहां से आ जाएगा ओके okay. तो जहां पे भी आप डिटेल में नहीं जाना चाहते ना वहां आप क्लाउड ड्रॉ कर दोगे नेटवर्क डायग्राम में आपको क्लाउड बना हुआ दिखे और जनरली जैसे ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम केबल डिनोट करते हैं वैन के लिए जहां मैं जैसे ये बोल रहा हूँ मैं लेट से पुणे ऑफिस से मैं दिल्ली ऑफिस जोड़ रहा हूं तो इसके लिए जनरली लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे जनरली लोग ऐसे बनाएंगे ठीक है अब वो जरूरी नहीं है ऐसे ही हो वो हो सकता है ऐसे भी हो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन बट जनरली लोग सीधी लकीर बनाते हुए नहीं मिलेंगे आपको डायग्राम्स में ओके okay? यहां मेरे को इग्नोर करना अगर मैं किसी दिन बना दू सीधी भी डजेंट मैटर बट ये डायग्राम्स पढ़ने लायक भी आप होने चाहिए ना नाउ लास्ट रिमेनिंग पीस वी हैव फायरवॉल्स फायरवॉल एक अगेन हम हार्डवेयर इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सो नेटवर्क सिक्योर करने के लिए आप फायरवॉल यूज करते हो अगेन यू नो दीस आर फिजिकल बॉक्सेस दैट यू यूज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट अगेन बहुत सारे मॉडल्स हैं और इनमें कितना वो थ्रूपुट कितना आपका ट्रैफिक हैंडल कर सकता है उसके हिसाब से तो दीस आर

किसी okay. का भी डेफिनेशन मैंने ढंग से बताया नहीं आपने स्विच किस ही। लिए यूज होता है व्हाट इज स्विच पे हमने गए नहीं होता व्हाट इज राउटर पे भी नहीं गए तो थिंक ऑफ इट लाइक दिस ओके आप इसको क्यों यूज करते हो जैसे कि मेरा नेटवर्क है आप यहां एज पे नेटवर्क के फायरवॉल लगाओगे okay. अब जैसे सर्विस प्रोवाइडर से कुछ भी आ रहा है आप फायरवॉल से एक्चुअली रूल्स लगा के फिल्टर कर रहे हो क्या अलाउड है इन आना क्या अलाउड है बाहर जाना जैसे फॉर uh, एग्जाम्पल अगर आपने किसी कॉरपोरेट नेटवर्क पे देखा होगा तो सारी वेबसाइट्स हम नहीं खोलने देंगे ओके okay? जैसे मे भी हम हमारी कंपनी की पॉलिसी भाई जुएबाजी नहीं करवानी लोगों से गैम्बलिंग वेबसाइट नहीं खोलनी चाहिए ठीक है होता ना आइए जंगली रमी पे आइए वो एड बहुत चलाते हैं आजकल वो ठीक है तो हमें ये ब्लॉक करना है आप ऐसी चीजों को भी आप फायरवॉल में इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि ये वेबसाइट्स खुल सकती हैं ये नहीं खुल सकती हैं डॉल ओके बाकी और बहुत कुछ है अभी मैं सिंप्लीफाइड ही समझाता हूं आपको आगे चल के हम बात करेंगे कि इसमें फायरवॉल की कौन कौन सी जनरेशन है उनमें क्या क्या टाइप अब देखो नेटवर्क से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है एंड यूजर की जैसे कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि नेटवर्क फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए कभी ना कभी कुछ गड़बड़ होगी तो वो गड़बड़ इम्पैक्ट ना करे या मिनिमल इम्पैक्ट करे एंड यूजर्स जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हम फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए नेटवर्क को करते क्या है? हम बेसिकली रिटेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं मतलब एक चीज के भरोसे नहीं रहेंगे मल्टीपल ऑप्शंस रखेंगे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक लिंक ये लगा रखा है एक लिंक ये लगा रखा है जैसे मैं आपको कह रहा था कि प्रेफरेबली आप सी एग्जाम ऑनलाइन मत दो क्यों इंटरनेट लिंक डाउन हो गया उस दिन आपका तो फॉल्ट टॉलरेंस तो आपने कुछ रखी नहीं होगी घर पे ऐसा तो करोगे नहीं ना कि चलो दो कनेक्शन लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर से दो अलग अलग राउटर के थ्रू ये नहीं तो वो वो नहीं तो ये तो जैसे यहाँ देखोगे यहां असल में क्या हो रहा है कि मान लो इस राउटर को कुछ हो जाता है या इस लिंक को कुछ हो जाता है क्योंकि वर्स्ट के सिनारी हो जाता है कभी कभार तो यू हैव एन ऑल्टरनेट वे टू यू नो रीच दैट सेम प्लेस देर इज दैट यू हैव टू है डुप्लीकेशन होनी चाहिए मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए हमारे पास and uh, network should limit the impact of hardware or software failure and should recover quickly when the failure occurs best ye hai and user ko pata bhi na chale ki kuch ho the second thing that we expect from a network is scalability और ये वर्ड आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलेगा कई जगहों पे सुनने को मिलेगा network. Scalability क्या है Scalability means कि हम expand कर पाने चाहिए देखो अल्टीमेटली बिजनेसिस क्या करते हैं बिजनेसिस ग्रोथ के लिए स्ट्राइव करते हैं कोई एक्स सेल्स कर रहा है एक्स अमाउंट ऑफ वो बोलेगा इससे ज्यादा सेल्स करनी है जब वो सेल्स ज्यादा करने की कोशिश करेगा प्रॉफिट ज्यादा करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज भी ज्यादा लगाएगा या अगर मान लो हम एक सर्वर चला रहे थे अपने पास अब हम दो सर्वर चलाएंगे चार सर्वर चलाएंगे सो थिंग्स ग्रो अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस टू ग्रो सो वेन द बिजनेस ग्रोज द नेटवर्क शुड बी एबल टूप्ट एक तो कह ही सकते हो बड़े इजीली यार इतना कौन सा मुश्किल काम है क्या करना है पैसे फेंकोगे और तमाशा देखो और डिवाइस लगाओ क्या टेंशन है बट इट्स नॉट रियली जस्ट अबाउट दैट देखो समझना है इस चीज को कि हम स्केलेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि कई बार लोगों को लगता है बस क्या करना है परचेज ऑर्डर निकालो डिवाइस खरीद लो टिपिकल एक कंपनी में एक मीडियम टू लार्ज स्केल कंपनी में अगर किसी परचेज डिसीजन वाला काम होना होगा ना इसके लिए दो से तीन महीने बड़े आराम से लग जाते हैं बड़े आराम से मतलब ऐसा होगा कि कोटेशन मंगाई उन्होंने दो तीन लोगों से कोटेशन आई उस कोटेशन में से फिर वो होता है ना भाई ठीक ठीक लगा लो अरे वो इतने में दे रहा है तुम इतने में दे रहे हो वगैरह वगैरह ये सब चलेगा ओके okay? क्योंकि ऐसा नहीं होगा इट्स नॉट लाइक बाइंग थिंग्स फॉर योर होम राइट आप थिंग जैसे मान लो सपोज करो आपको लग रहा है नहीं घर पे टीवी चाहिए अगर पैसे हैं तो आप क्या बोलोगे चल खरीदते हैं ना या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं एक दो दिन में काम खत्म इतना सीधा काम कंपनीज में नहीं होता है राइट right? तो जब इतना सीधा काम नहीं होता है तो स्केलेबिलिटी क्या चाहिए हमें स्केलेबिलिटी हमें चाहिए एग्जिस्टिंग चीजों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग इंफ्रा आपका हैंडल ही ना कर पाए टू टेक अनदर एग्जाम्पल सपोज मेरा एक दोस्त आता है मेरे पास वो बोलता है भाई मेरे को ना uh, मेरे पास बीस एम्प्लॉइज हैं उनके बीस पीसी हैं उनको आपस में जोड़ना है नेटवर्क में मैं उसको बोलता हूँ भाई ये ले स्विच और जोड़ दे बीस पीसी अब मैंने उसको क्या किया मैंने उसको ट्वेंटी फोर का स्विच दे दिया एक तो क्या मैंने स्केलेबिलिटी के बारे में सोचा नहीं क्यों वो थो चार और हायरिंग करेगा पोर्ट खत्म हो जाएंगे है ना फिर वो बोलेगा भाई अब वो बोलूंगा एक और स्विच खरीद ले अब देखो ये आपको लगेगा बड़ा इजी है बट सपोज इसी को अगर हम थोड़े मिड साइज कंपनी के हिसाब से लें तो स्केल इंक्रीज करने में मतलब एक्स्ट्रा ऑलरेडी ओवर प्रोविजनिंग करके चलना पड़ेगा आपको थोड़ा मतलब यू कांट गो नेक टू नेक ना उतना ही जितना रिक्वायरमेंट है आज का तो चलो बीस है और ग्रोथ जिस हिसाब से होनी है उसको थोड़ा सा आपको एनालाइज करके उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी सो स्केलेबिलिटी मीन्स दैट नेटवर्क शुड बी एबल टू

फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ ऑप्शन होने चाहिए बिल्कुल नेक टू नेक चीजें नहीं चलाने की इतना बस ठीक है uh, मान लो पीक uh, ये कई चीजों में है जैसे सपोज करते हैं वन जीबीपीएस तक का ट्रैफिक हमें हैंडल करना होता है अब ये वाला राउटर नहीं खरीदना हमने। कि जो वन जीबीपीएस तक का ही है ट्रैफिक हैंडल थोड़ा फालतू खरीदना पड़ेगा ट दम्पोनेट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन देर इज अन्टर देर इज अ रिसीवर सपोज करते हैं बड़ा ही सिंपल डायग्राम हमने लिया है ये सर्वर से उठा के हम लैपटॉप तक कुछ चीज पहुँचा रहे हैं और हमने कोई राउटर नहीं यूज किया कोई स्विच नहीं यूज़ किया तो यहाँ क्या होगा ये बिट्स की फॉर्म में इसे एनकोड करेगा जीरो वन जीरो वन की फॉर्म में इनकोड करेगा और इसका एक नेटवर्क कार्ड होगा ठीक है जैसे आपका पी का नेटवर्क कार्ड होता है वैसे सर्वर का भी नेटवर्क कार्ड होगा जिसके आगे केबल लगी होगी इसे हम मीडियम कहते हैं कि मीडियम क्या रहेगा ट्रांसमिशन का दूसरे नेटवर्क कार्ड पे बिट्स रिसीव हो जाएंगी और जब वो सारी बिट्स रिसीव हो जाएंगी तो आप बोलोगे डेटा रिसीव हो अब एक दो चीजें क्लियर कर दें यहाँ पे जैसे जब कोई भी फाइल आप भेज रहे हो लेट्स से ये मैं भेज रहा हूं हम इकट्ठे नहीं भेजते इसको ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो बट हम क्या करते हैं हम इकट्ठे नहीं भेज के इसके टुकड़े करते हैं और पार्ट्स पार्ट्स में भेजते हैं या आप इससे जज कर सकते हैं जैसे अगर आपने किसी स्लो नेटवर्क पे कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज खोली हो तो देखा होगा वो ऐसे ऐसे करके खुल रही होती है थोड़ी 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 करके राइट right? क्यों खुल रहा होता है ऐसे क्योंकि वो पार्ट्स में आ रही है इमेज इसलिए तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि कोई भी फाइल हमें भेजनी है उसको भाई ये लो उठा के सीधा फाइल एक ही यू you नो know, पार्ट में भेज दो दूसरी साइड इसका एक रीजन भी है देखो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस सपोज करते हैं मैं एक जीबी की एक फाइल भेज रहा हूँ किसी को ऑल एट वंस कॉन्टिन्यूस बिट्स में अगर कुछ ग्लिच हुआ थोड़ा सा तो मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़े पार्ट्स में भेजने का फायदा यह है कि मान लो ये वाला पीस मिसिंग था ये वाले पार्ट को फिर से भेज देंगे ओके? Okay? तो अगेन ट्राइंग टू जस्ट यू नो गिव दैट आप थोड़ा सोचो कि कैसे चीजें होती हैं क्योंकि कई चीजों में हमें लगता है ऐसा होता है वो जबकि होता नहीं है इसी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को हम धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स चीजों में बनाते चलेंगे जैसे इसमें राउटर डाल देंगे बीच में स्विच डाल देंगे तो ये कैसे होगा नाउ देर आर अ फ्यू नेटवर्क टाइप्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड जैसे एक वर्ड यूज हमने ऑलरेडी भी किया कि लैन नेटवर्क वैन नेटवर्क ये जनरली लोगों ने आजकल सुना भी होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कुछ और ऑप्शंस भी हैं कैंपस एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस अब लैन नेटवर्क होता क्या है जैसे मेरे को दो डिवाइसेस को जोड़ना है ए और बी वन वेरी सिंपल वे वुड बी एक केबल लेते हैं इसके नेटवर्क कार्ड से लगा के इसके नेटवर्क कार्ड पे लगा क्या खर्चा हुआ केबल लाने का नेटवर्क ठीक है व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर द प्रॉब्लम इज ज़्यादा डिवाइस जोड़ने होंगे स्केल थोड़ा सा बड़ा करना होगा तो प्रॉब्लम स्केल थोड़ा बड़ा करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि मान लो जैसे सपोज थर्ड एक और पीसी को जोड़ना है आप ऐसा कर सकते हो कि ये हमने यहाँ से केबल ली यहाँ जोड़ दी ये केबल ली एक यहाँ से भी जोड़ दी दो नेटवर्क कार्ड आप बोलोगे हो सकते हैं डिवाइस पे हो सकते हैं यूएसबी बेस्ड भी आते हैं ओके बट अगेन ये स्केलेबल नहीं है सोल्यूशन क्योंकि जैसे चार डिवाइस जोड़ने होंगे तो प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करते हो जैसे एक स्विच ले लेते हो एंट्रस्ट में ये अगर हम आ, सच में ए टू बी कम्युनिकेशन करना चाहें एक केबल के थ्रू हो सकता है इससे कुछ नहीं चाहिए आप इधर से इधर जितना डेटा ट्रांसफर करना चाहो कर सकते हो नाउ इफ ई गो एंड कनेक्ट दीज अप ए बी सी हमने तीन डिवाइस जोड़ दिए। स्विच के साथ जोड़ने का फायदा क्या है स्विच पे पोर्ट ज्यादा है कल को और डिवाइस भी जोड़ने होंगे तो वो यहां से और पोर्ट्स कनेक्ट कर देंगे हम राइट right? अब इससे हम बना क्या रहे हैं इससे हम बना रहे हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क डेफिनेशन वाइज क्या होता है अ नेटवर्क ओवर स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया आपको ऐसा बोलते हुए लोग मिलेंगे कि नेटवर्क विच इज डिजाइन टू कम्युनिकेट इन अ स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया लोकल एरिया नेटवर्क अब इसमें थोड़ा गड़बड़ है आ, मतलब डेफिनेशन में गड़बड़ नहीं है बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में कई बार गड़बड़ हो जाती है लोगों को जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हम स्मॉल जोग्राफिक एरिया में कुछ जोड़ने के लिए लैंड नेटवर्क यूज करते हैं तो ये स्मॉल कैसे डिफाइन करोगे आप ये जो तो स्मॉल है थोड़ा गड़बड़ है वर्ड ही कंपेयर ना करें कुछ छोटा होता नहीं छोटा बड़ा कुछ नहीं होता जब कंपेयर करोगे तभी आप बोलोगे ये बड़ा है ये छोटा है कंपेयर नहीं करोगे तो आप कह ही नहीं सकते जैसे ये रिमोट जो यहां रखा है ये बड़ा है कंपेरिजन टू समथिंग एल्स या छोटा है कंपेयर टू दिस बॉटल सो आई एम ट्राइंग टू से क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क ये है बट जब आप उनसे पूछोगे ना लैन कहाँ खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कहा खत्म हो गया भाई अब स्मॉल मतलब कितना स्मॉल तो थोड़ा सा ये क्लैरिटी ले लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क हम कहाँ पे जाके एंड बोल देंगे कि भाई खत्म हो गया जैसे ये हमारा एक ऑफिस है किसी भी एक जोग्राफिक लोकेशन पे लेट से पुणे में ही हमारा एक दूसरा ऑफिस है ये जोग्राफिकली दूसरी लोकेशन पे है जो थोड़ी सी दूर है अब अगर मुझे इनको जोड़ना है वन वे इज कि मैं जाता हूं यहां से तार जमीन में खोदते खोदते डालते हुए यहां तक लेके जाए प्रॉब्लम क्या है कई साल लग जाएंगे या फिर पता चलेगा यार बैंडविड्थ कम रह गई अब <laughs> वापस खुदाई शुरू करो सो वी डोंट डू दिस क्योंकि हर काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं है बिस्किट खुद थोड़ी बनाते हैं हम सारे घर पे तो वैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे हम बोलते हैं भाई हम क्या करेंगे हम एक सर्विस प्रोवाइडर की मदद ले लेते हैं उसने ऑलरेडी बना रखा है अपना बड़ा सा नेटवर्क उसका बिजनेस ही यही है हम एक कनेक्शन यहाँ ले लेंगे एक कनेक्शन यहां ले लेंगे और उसके थ्रू जैसे भी जो भी कंफिग्रेशन वगैरह के साथ वो अभी उसमें डिटेल में मिल जाएंगे हम उसको जोड़ देते नाउ दिस इज वेयर एक्चुअली वैन स्टार्ट ठीक है स्मॉल मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं जहां पे आप सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेने शुरू कर गए वहां पे आपका लैन खत्म हो गया क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही स्विच जोड़ना है स्विच ज्यादा भी जोड़ सकते हैं लैन बनाने के लिए हमारा ऑफिस की बिल्डिंग है मल्टीपल फ्लोर्स हैं, उसमें ढेर सारे स्विच हैं, लैन नेटवर्क ही है एक कमरे में भी लैंड नेटवर्क है और एक ऑफिस के फ्लोर पे भी लैंड नेटवर्क है एक पूरी बिल्डिंग में भी लैंड नेटवर्क है और अगर कहीं एक ऑफिस का कैंपस हो बड़ा जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हो उनमें भी आपस में जोड़ देना दिस इज स्टिल वॉट लैंड नेटवर्क है ये भी. क्योंकि आप इसको या कॉलेज कैंपस सोच लो ठीक है हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स कॉलेज कैंपस में सारी जोड़नी है आपस में आप सर्विस प्रोवाइडर की मदद नहीं लोगे तो वैन वहां है जहां आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस की यूज करना शुरू कर दिया तो आई होप थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि स्मॉल कहाँ जाके खत्म हो जाता है क्योंकि स्मॉल और बिग इज रिलेटिव ठीक है तो आपको ये भी सीखने को मिला छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे ज्यादा कम भी कुछ नहीं होता है कंपेयर नहीं करे मार्क्स ज्यादा आए हैं कम आए हैं नेटवर्क विच इज डिजाइन फॉर स्मॉल जोग्राफिक एरिया मत चले जाना कोई पेरेंट को कि मम्मी कंपेयर कर रहे हो आप ठीक है इसकी तनख्वाह ज्यादा है उसकी क्योंकि मार्क्स के बाद तनख्वाह पे भी आ जाते हैं लोग कंपेयर करने में ठीक है ज्यादा कम कुछ नहीं होता <laughs> अंदर रखना है ज्ञान ठीक है लैंड समझते वक्त लिया हमने सो एक डिपार्टमेंट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी आपका लैंड नेटवर्क है एक पूरा ऑफिस के बिल्डिंग हो सकती है वो भी लैंड नेटवर्क है और असल में ये दो चीजों से ही बाकी सब कुछ आता है निकल के जैसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलोगे आप वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है इट इज अ नेटवर्क विच प्रोवाइड्स ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन जोग्राफिकली डिस्टेंट लोकेशन इट्स कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क तो जोग्राफिकली दूर दूर है हम क्या कर रहे हो हम सर्विस प्रोवाइडर की मदद ले रहे हैं इसको जोड़ने के लिए जैसे इंटरनेट है आपके लिए अब और भी कुछ ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं लैंड का बड़ा वर्जन वाली बात है जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क है वॉट इज अ कैंपस एरिया नेटवर्क कैंपस एरिया नेटवर्क मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं हम जैसे मल्टीपल ऑफिस बिल्डिंग्स को जोड़ रहे हैं आपस में हमारा कुछ एकड़ का ऑफिस कैंपस है या कॉलेज कैंपस है पूरा नेटवर्क से जोड़ना है सो नेटवर्क विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू यूजर्स और कैंपस इज कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क बिगर वर्जन ऑफ लैंड छोटे का बड़ा वर्जन है <laughs> ना अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा बादल समझते हैं जरा ये बादल हम बना रहे हैं ने कैसे बनाया होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पे नेटवर्क इंजीनियर नहीं है सब इस नेटवर्क इंजीनियर है देखो ये बड़ी सी बिल्डिंग है मान लेते हैं ठीक है और हमने अलग अलग फ्लोर की फ्लैट बना दिए अब अब यहाँ पे जितने लोग होंगे ठीक है ये जितने घर हैं सपोज करते हैं मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे इंटरनेट देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं एक स्विच लगाऊंगा कहीं पे यहां किसी एक जोग्राफिक लोकेशन में इसी बिल्डिंग के आसपास छत पे पार्किंग में कहीं किसी छोटे कमरे में कहीं तो लगाऊंगा और जब कोई यहाँ पे इन में से मेरे पास आता है भाई मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो मैं अपने मैं सर्विस प्रोवाइडर स्विच की बात कर रहा हूँ वहाँ से उठा के मैं केबल उसके घर पहुँचा दूँ ऐसे ही करेंगे ऐसा मैं क्या एक स्विच लगाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को अगर थोड़ा सा स्केल मान लेते हैं हम टेयर थ्री छोटे एक रीजनल आई भी हैं तो हम क्या करेंगे एक स्विच नहीं लगाएंगे हम मल्टीपल स्विचेस लगाएंगे और कोई आसपास बिल्डिंग है एक और स्विच इधर के घरों पे बांट देते हैं कनेक्शन और जितने ऐसे मैं जोड़ता जाऊंगा मुझे उनको भी आपस में जोड़ना पड़ेगा कहीं कही ना कहीं मैं आपको ये समझा रहा हूं ये हम सर्विस प्रोवाइडर का बादल बना तो रहे हैं, बना, बनता कैसे क्योंकि कोई तो इसका भी काम करेगा ना ऐसा करते करते आप क्या करोगे मतलब अगर हम जोग्राफिकली बहुत सारी लोकेशन जोड़ जाड़ के हम यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाते चलेंगे अगर हम पूरी सिटी में सपोज करो देते हैं अपना कनेक्शन मान लो हम इतने बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हम क्या करेंगे हम पूरी सिटी को जोड़ देंगे असल में ऐसे राइट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो नेटवर्क विच कवर्स एंटायर सिटी यूजिंग लैंड टेक्नोलॉजी अब ये अगेन क्या है लैंड का थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, है ना <laughs> क्योंकि लैंड अब आपका लैंड नहीं रहा उतना ही इसीलिए कह रहा हूं छोटा बड़ा कुछ नहीं होता मान गए ना और और यहां एक चीज समझने वाली बात यह है हम इसीलिए इसकी डिटेल में नहीं जाते हम बादल इसलिए बना देते हैं कि भैया ठीक है मैं हूं दूसरा ऑफिस है हमने जोड़ दिया इसको क्योंकि वो पता नहीं कहां कहां से ये तो अभी हम एक ही सिटी की बात कर रहे हैं अब इसमें सिटी में भी मल्टीपल बिल्डिंग्स होंगी और एक सिटी से दूसरी सिटी तीसरी सिटी यू कैन मेक इट वेरी बिग जैसे लोकल आई एस पी नेटवर्क इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क ओके यू माइट से भाई इसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं क्या नहीं क्योंकि ये उसके ऑफिस कैंपस नहीं जोड़ रहा है जब वो यहाँ इस सोसाइटी में इन फ्लैट्स में कनेक्शन दे रहा है ये उसका ऑफिस कैंपस तो है नहीं नहीं है ना यहां पे दूसरी सोसाइटी में कनेक्शन दे रहा है और और घरों को कनेक्शन दे रहा है और अपने नेटवर्क कनेक्शन जोड़ रहा है तो इसलिए समझ में आ रहा होगा कि है बट ये डिफरेंट है कंपेयर टू यू नो कैंपस एरिया नेटवर्क क्योंकि कैंपस एरिया में वो ओन या ऑपरेटेड बाय वन कंपनी होगा बाकी नेटवर्क वालों को एक शौक है क्या खतरनाक खतरनाक टर्म्स बनाने का कई बार वो होती बिल्कुल ऐसे ही होती है टर्म्स ऐसी एक टर्म है सोहो सोहो नेटवर्क स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस सीधे बोल लो यार छोटा नेटवर्क जैसे आपके घर का नेटवर्क कॉल सोहो नेटवर्क प्रोडक्ट्स में आपको दिखेगा कि जैसे दिस इज अट ठीक है सोहो प्रोडक्ट मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं वो हिंदी वाला नहीं है कि जो हो सो हो वगैरह तो देर इज स्विच देर इज राउटर जैसे एक टिपिकल घर के इंटरनेट कनेक्शन वाला आप अगर देखोगे तो ऐसे ही सेटअप होगा ना कि एंड यूजर सारे हैं यू माइट से स्विच कहा है राउटर कहा है हम तो वाईफाई यूज करते हैं तो ये मल्टीपल चीजें आप कंबाइन कर सकते हो एक डब्बे के अंदर आप एक्सेस पॉइंट उसके अंदर वाईफाई वाला लगा दो तो वायरलेस वाले डिवाइस जोड़ दो स्विच मैं दिखा देता हूँ जैसे चलो अमेजन पे चलते हैं हम कई बार यहाँ प्रोडक्ट देखने आएंगे और विंडो शॉपिंग ऑनली ठीक है ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे किसी चीज़ का जैसे घर के वाईफाई राउटर को देख लेते हैं कोई तो कोई भी घर का वाईफाई राउटर आप यहाँ देखोगे तो इसमें क्या है ये जैसे चार पोर्ट्स हैं अगर इन चार पोर्ट्स पे मैं क्या करता हूँ मैं चार कंप्यूटर लगा देता हूं तो ऐसा थोड़ी कि वो चलेगा नहीं ये में देखोगे छोटा सा स्विच चार पोर्ट का हमने इसके अंदर ही डाल दिया प्लस एट द सेम टाइम वाईफाई के एक्सेस पॉइंट के लिए हमने एंटीना लगा दिए और हमने सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ने के लिए ये वाला एक पोर्ट लगा दिया तो समझ रहे हो डब्बा एक है बट वी कैन से ये तीन अलग अलग फंक्शनलिटीज आपने एक ही डब्बे में डाल दी ठीक है एंड दिस इज प्रूफ फॉर एनी ऑफ दीज ओके कोई भी उठा के देखोगे ऐसा ही देन देर इज अ टर्म दैट इज़ दूज डेटा सेंटर ये कॉमनली लोग सुनते भी हैं कि हाँ डेटा सेंटर ये होता है वो होता है तो थोड़ा सा जस्ट सो देट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज एक बार बात कर लेते हैं इसकी भी जैसे मुझे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कोई चीजें होस्ट करनी है तो आपको एक बड़ी बिल्डिंग चाहिए होगी ढेर सारे सर्वर्स लगाओगे राइट जैसे गूगल जैसी कंपनी है तो आप क्या करोगे जैसे ये देखोगे यहाँ रैक्स एंड रैक्स ऑफ इक्विपमेंट लगे हुए हैं एंड यू आर बेसिकली होस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट right? अगर हम इसको बाहर से बात करें होगा क्या ये फैक्ट्री जैसा ही दिखेगा आपको बाहर से ऐसा ही दिखेगा ना बाहर से थोड़ी दिखने वाला है कुछ फैंसी सा सर्वर लगे हैं जी यहाँ पे बाहर से बिल्डिंगे दिखेंगी कि बड़ी सी बिल्डिंगे हैं उसमें ढेर सारे जनरेटर लगे हैं या यू you नो know, बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए हैं तो गूगल वालों ने बढ़िया फ़ोटो शोटो डाल रखे हैं आप देख सकते हो ये भी डेटा सेंटर है तो दूर से देखने में फैक्ट्री लगेगी आपको बट होगा डेटा सेंटर ठीक है विद ऑफ़ एवरीथिंग रिटेनेंसी ऑफ पावर ऑफ़ नेटवर्क कनेक्टिविटी बाकी बढ़िया हाई रेजोल्यूशन आप इमेजेस देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो वॉलपेपर पेपर लगाना हो तो लोग काम करते हुए फोटो शोटो खींचे हुए इन्होंने ऐसे ज्यादातर लगता है कि मॉडलिंग वाले हिसाब में बोला वो उसको बंदे को उस दिन भाई अच्छी कपड़े छपड़े पहन के आना बाल चाल कटा के आना फोटो खींचेंगे सो so, जैसे ये मार्टिन है ओके तो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड रन ठीक है अपना तो क्या है यूट्यूब डॉट कॉम एंट्रीडियो चलना चाहिए है ना सो टिपिकली जो आपको ऐसा दिख रहा है वो ढेर सारी रेडेंडेंट कनेक्शन नेटवर्क डायग्राम में देखोगे ढेर सारे सर्वर्स ढेर सारे स्विचेस वगैरह लग के ये तो एक थोड़ा सिंपलिस्टिक डायग्राम सा लिया है सो डेटा सेंटर इज अ फेसिलिटी एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स मैं फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है कि स्केल क्या है इस चीज का ओके इट जनरली इंक्लूड्स रिटेंडेंट एंड बैकअप पावर सप्लाई रिटेंडेंट डेटा कम्युनिकेशन कनेक्शन सिक्योरिटी ऑब्वियसली नेटवर्क डिवाइसेज। अब जैसे मैं कह रहा था आपसे किसी भी कम्युनिकेशन के क्या होते हैं कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग है ना अलग अलग कम्युनिकेशन ठीक है थेके? अलग अलग ग्रीटिंग्स होती हैं जैसे आप नमस्ते करते हैं हम सारी जगह नमस्ते थोड़ी करते हैं अब ये देखो ये अलग है इधर अलग है और इधर तो अल करोगे कुछ है ना ठीक है फाइन तो है <laughs> ना नमस्ते से भी नहीं होगा ना इधर काम तो देर आर डिफरेंट रूल्स डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन जैसे आप ह्यूमन कम्युनिकेशन में भी देखोगे क्योंकि काफी हद तक क्रेडिटेबल है सेंडर एंड रिसीवर आई एम देंडर हेयर ट्रांसमिट हो रहा है data आप गर्दन हिला रहे हो यहाँ जो क्लास में बैठे तो मेरे को पता चल रहा है डेटा रिसीव हो रहा है, है ना ये एक्सप्रेशन से कि है वाली शक्ल बनी हुई हो तो भैया नहीं रिसीव हो रहा है डेटा तो देर इज अम कॉमन लैंग्वेज एंड ग्रामर स्पीड टाइमिंग ऐसी सब चीजें आपके कंप्यूटर नेटवर्क में भी हैं अब ऑब्वियसली लैंग्वेज ग्रामर तो नहीं है यहाँ बट वॉट यू नीड इज अगर आपको रिलायबली जैसे डेटा ट्रांसमिट करना है बिटवीन एनी टू devices ए और बी के बीच में, में मेरे को रिलायबली डेटा ट्रांसमिट करना है तो जैसे आप गर्दन हिला रहे हो यहाँ ये यह भी तो कुछ भेजेगा ना इसको कि भाई मिल गया भाई मिल गया मिल गया ये वो राइट right? या ये नहीं भेजा यार तूने ठीक है तो ऐसा कुछ कम्युनिकेशन होगा आई एम ट्राइंग टू अगेन ओवर सिंप्लीफाईड वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बट प्रोटोकॉल अगर आप देखोगे होता क्या है इट इज बेसिकली वॉट आर द रूल्स फॉर द कम्युनिकेशन ठीक है एंड देर ऑलवेज रूल्स वरना कम्युनिकेशन नहीं होता नाउ फ्रॉम नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू लुक एट इट चीजें कैसे आई हैं सबसे ब्रॉड डिवीजन आप देखोगे एक होते हैं आपके पास प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स दूसरे होते हैं स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल्स फर्क क्या है जैसे आपने देखा होगा कि मान लेते हैं हम एक कंपनी है सिस्को जैसी ही अब सिस्को वालों ने क्या किया अपने आरएनडी डिपार्टमेंट में लोगों को हायर किया उनको कोई प्रॉब्लम दी यार ऐसे ऐसे ये ये प्रॉब्लम आती है वो ढेर सारे लोगों ने मिल के प्रोटोकॉल बनाया अब ऑब्वियसली ये खर्चा क्यों कर रहे हैं इसमें थोड़ा एक कॉम्पिटेटिव एज लेना चाहते हैं ना और लोगों पे तभी तो खर्चा कर रहे हैं आरएनडी टीम पे अब ये क्या करेंगे ये जो प्रोटोकॉल बनाएंगे ठीक है वो प्रोटोकॉल क्या बनाएंगे ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बनाएंगे मतलब हमने मेहनत की है हम इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट वेटेंट कर देंगे दूसरों को यूज थोड़ी करने देंगे राइट right? और क्यों करती है कंपनी ऐसा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे और कोई नहीं दे पा रहा है तो, तो दुनिया स्टार्ट ऐसी ही हुई थी वर्किंग वाली दुनिया प्रोप्राइटरी से ही स्टार्ट हुई थी इनफैक्ट एट दैट टाइम आई बी एम वॉज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज आई काफी सालों से तो आई वाले अपने डब्बे बेचते थे लोगों को मेन फ्रेम और बहुत सारे पुराने वो जो पूरे एक एक कमरे में एक कंप्यूटर होता था वैसे वाले तो वो नेटवर्किंग गियर भी अपना ही बेचते थे और मतलब ऐसा होता था कि आपने अगर डब्बे इनसे खरीदे हैं वो कंप्यूटर रिसोर्सेज वाइज सर्वर वगैरह तो भाई इक्विपमेंट भी इसी से खरीदोगे क्यों क्योंकि सब प्रोप्राइटरी था बट विद टाइम क्या हुआ स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हैं और स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल्स बनाने का फायदा क्या है इसका सबसे मेन फायदा है कि आपको इंटर वेंडर ऑपरेटेबिलिटी मिलती है व्हाट डू वी मीन बाय दैट जैसे आज की डेट में आप क्या करते हो आपके घर पे वाईफाई लगाया ठीक है अब ये वाईफाई मान लेते हैं सपोज करते हैं ये टीपी लिंक देखा अभी हमने मान लो टीपी लिंक का वाईफाई लगा दिया जी मैंने का मेरे पास मोबाइल है ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं ये अलग वेंडर है ये अलग वेंडर है कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं क्योंकि वाईफाई जो है ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसीलिए आपको सोचना नहीं पड़ता डिवाइस खरीदने से पहले ये मेरे घर के वाईफाई के साथ चलेगा या दोस्त के यहाँ जाऊंगा वहां तेरा वाईफाई मेरे वाईफाई के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा क्योंकि वाईफाई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है नाउ हु मेक स्टैंडर्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी क्योंकि वो तो ठीक है ये तो ये तो प्रॉफिट वाली बात थी ना अपना सेल्फिशेंट था तो हम करेंगे ये तो थोड़ा जन कल्याण वाला काम लग रहा है ना आपको कि ना सबका भला होगा इससे वो टाइप का काम तो जैसे वाईफाई आप देखोगे वाईफाई एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड आई ट्रिपल ई इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स विच इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये वो नहीं है कि कंपनी नहीं है कोई ये उन्होंने बना रखा है ठीक है इसके साथ और भी है वाई फाई लाइंस डॉट ऑर्ग वगैरह वगैरह बट यू सी द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज कि कोई वेंडर अपने आप को कंपेटेबल बना सकता है इस चीज के साथ और ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोटोकॉल्स करंटली जो आप यूज करते हो स्टैंडर्ड है इसको सीखने का स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल सीखने का फायदा एक ये है कि आप किसी भी वेंडर के इक्विपमेंट पे काम करो स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल वैसा ही रहने वाला है और भी हैं जैसे एक आपने शायद सुना होगा आईपी हम यूज करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं हम इसे जो हम कहते हैं आईपी एड्रेस देंगे हर डिवाइस को अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल भी आप देखोगे ये भी स्टैंडर्ड है जैसे आई ट्रिपल ई एक ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही एक और है आई ई टी एफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इंटरनेट इंजीनियरिंग करते हो, वेब करते वक्त हो, देखा होगा नोटिस एच टी HTTP, ये भी स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल है सो so, जो दुनिया प्रोपराइट रह जाती तो कितनी परेशानी होती नहीं? बोला अरे तेरी वेबसाइट नहीं खुलेगी मेरे पास <laughs> तेरा प्रोटोकॉल अलग है सो so, Earlier, things were proprietary. और सीसीएन करने का मैं आपको एक बड़ा बेनिफिट बताऊं अराउंड एटी परसेंट ऑफ थिंग्स रीड हेयर प्रोटोकॉल वगैरह वाइज वो स्टैंडर्ड है जैसे हम आईपी की बात करेंगे यहां पर अब आपने आईपी यहां सीख लिया ना इट डजेंट मैटर आप किसी भी वेंडर पर काम करो आईपी वैसा ही चलेगा वो रूल्स एंड रेगुलेशन वो वैसा ही रहेगी चाहे वो सिस्को का इक्विपमेंट हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो चाहे मैं लिनिक्स पे काम करूं, चाहे मैं कुछ भी डेवलप करूं, ओके okay? किसी और वेंडर की फायरवॉल पे काम करूं, तो दिस टू बीइंग बींग वेरी गुड फाउंडेशन मैंने uh, कई बार देखा है कई लोगों का जिनका डायरेक्टली काम नेटवर्किंग में नहीं है uh, जैसे कि मान लो कोई सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में है वो भी सीसीएनए करते हैं लिनिक्स सीख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं वो भी सीसीएनए करते हैं तो कई चीजों का रास्ता यहां से निकल के जाता है तो अर्लियर देर मोर प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स, फिर आप देखोगे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाना मतलब अभी हम प्रेफर करते हैं कि स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल्स बने ज्यादा से ज्यादा तो जैसे एट जीरो वाई फाई का स्टैंडर्ड है ये विच हैज आई पी टीसीपी एच टी पी एफ टी पी ये प्रोटोकॉल इन्होंने मिला अब रूल्स हैं कहीं तो लिखे होंगे ना जैसे वो कानून वाले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं यहां कहा लिखे होते हैं मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं ये चीज का देखो मेरा एम क्या है मेरा एम ये चीज को बताने का ये नहीं है कि आप जाओ और इनको पढ़ो जैसे नया नया कोई वकील बना होगा तो उसको कानून पढ़ने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा दोगे कई बार वो तो ऐसा हो सकता है इस कानून का मतलब ये नहीं है ये है तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको यहाँ जो मैं दिखाऊंगा आगे अभी मेरा एम ये है कई जगहों पे जब आप बुक में या किसी जगह पे कंटेंट पढ़ोगे ना जैसे मान लो आईपी के बारे में लिखा है कुछ किसी ने लाइन कि ये ये ऐसे ऐसे होता है तो उसके साथ ना कई बार वहां एक ऐसे ब्रैकेट लगा के ना उन्होंने नंबर लिखा होगा आर एफ सी सेवन नाइन वन वगैरह वगैरह कर करके वॉट डू दे रियली मीन बाय दिस थिंक ऑफ इट लाइक जैसे वो था ना कि आर्टिकल दिस सेक्शन दिस के हिसाब से ये वाला कानून जुर्म है ये है वो है थिंक ऑफ इट लाइक दैट ओके बट आर एफ सीज आर नॉट मैंट टू बी स्टडीड बाई पीपल जो स्टार्ट कर रहे हो देखो इस पे कब जाओगे आप इस पे तब जाओगे जब जैसे मान लो दो पार्टीज़ हैं बहस हो जाए अरे नहीं यार क्या बात कर रहा है ऐसे नहीं ऐसे है। तो अल्टीमेट आप रेफरेंस किसको मानोगे आरएफसी को आरएफसी स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट तो जब कोई प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड आई बनाता है वो आर की फॉर्म में इसको मेंटेन uh, करके लिख के रखते हैं ठीक है मैं दिखाता हूं जैसे एंड अगेन आई एम रिपीटिंग मेरा एम ये नहीं है कि जाओ और पढ़ो इसको नहीं पढ़ सकते वो आप पढ़ोगे इसको मे बी दो तीन चार साल पांच साल एक्सपीरियंस हो जाओ और पहले वो होता है ना बहस करने लायक बनो तो सही बिगिनिंग में नहीं मैं कह रहा हूँ ठीक है मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार वरना समझ नहीं आता जैसे कि ये नंबर क्या लिखे हुए हैं जगह जगह आपको बुक में कहीं विकीपीडिया पे इस पे उस पे डॉक्यूमेंट में रेफरेंस में नंबर लिखा है तो उसका मतलब क्या है जैसे ये देखोगे आईपी की आर है सेवन नाइन वन इंटरनेट प्रोटो तो आप ये देखोगे बहुत सारी आर हैं ये सारे प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है तो सारे तो पढ़ने भी नहीं है आप बट जैसे अगर हम बोले कि ये कैसे होता है या वो कैसे होता है तो उनमें बहुत सारी चीजों के आपको यहाँ पे अलग अलग पब्लिशिंग डेट्स के हिसाब से मिलेंगे ठीक है तो हम आईपी को खोल रहे हैं ठीक है आईपी हमने कल को देखना भी है यार, 1981 की बात है, तो तो पुरानी है पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो ना प्रिपेर फॉर डार्पा यूनिवर्सिटी ऑफ साउद कैलिफोर्निया सब लिखा होता है इन्होंने मोटिवेशन मतलब जैसे होता है ना दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समय वो भी लिखा होता है कि आईपी बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को आईपी बनाया स्कोप क्या है ऑपरेशन कैसे है कैसे दूसरे प्रोटोकॉल्स के साथ करेगा सब लिखा होता है इसमें एंड uh, जैसे देखोगे उसको रेफरेंस लेके आगे फिर अपडेट्स भी करते चलते हैं। क्योंकि चीजें बदलेंगी ना ऐसा तो है नहीं कि वैसे का वैसे ही तो जैसे मोटिवेशन देखोगे इंटरनेट प्रोटोकॉल इज डिजाइन फॉर यूज इन इंटरकनेक्टेड स्विच सिस्टम्स ऑफ पैकेट स्विस्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड फॉर फ्रेगमेंटेशन रीअली पढ़ना नहीं है बट वेन एवर यू सी दीज नंबर रिटर्न समवेयर की अकॉर्डिंग टू दिस वो तो वट डू दे रियली मीन लिखा हुआ है सच में कहीं ऐसा नहीं है अब संविधान में नहीं ना लिखेंगे ये आईपी कैसे काम करेगा तो जैसे यहाँ दिख रहा है आपको कि इतना इस लाइन से समझ में आ रहा होगा कि भाई टुकड़े किए जाएंगे रीअसेंबली किया जाएगा जब डेटा भेजा जाएगा इकट्ठा नहीं भेजा जाएगा टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे तो सच में लिखा है भाई सच में होता है ओके और अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ जैसे इस प्रोटोकॉल के साथ ऐसे होगा वैसे होगा ये यह सब यहाँ लिखा हुआ है ठीक है पढ़ना नहीं है जाके ठीक है ऐसे नहीं कल कोई बोले यार यारेवन नाइन वन पूरी पढ़ गया बहुत डाउट्स आ रहे हैं अब मुझे मेरे हिसाब से तो आपको समझ ही नहीं आनी चाहिए हूँ व्हाट वी डू इज हम कम्युनिकेशन के लिए असल में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं और थोड़ा सा ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से तो आप क्या करते हो जो भी चीज आपने मंगानी है उसका आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो वो उस चीज को डब्बे में पैक करते हैं है ना और उस डब्बे के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं लेबल में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है कादी चीजें तो हमें समझ ही नहीं आती है, राइट right? कि ये वाली चीज कहां से ओरिजिनेट हुई इसने किसने भेजा वगैरह वगैरह और बहुत सारे क्यूआर कोड वर्ड भी बने होते हैं अब ये चीज जब आपको मिल जाती है तो आप क्या करते हो यू डोंट केयर अबाउट द लेबल डोंट केयर अबाउट द बॉक्स व्हाट यू केयर अबाउट इज इसके अंदर आ, मेरी चीज मिल गई मेरे को अब बाहर फेंको मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं आपको यहाँ साइड ने डब्बा जैसे लगाया ना ऐसे ही हम भी जब डेटा भेजते हैं पहले तो सारा डेटा इकट्ठा नहीं भेजा जाएगा यहां आपकी चीज तो एक इकट्ठे आ जाती है ना यहां ऐसा होता है कि डेटा के करो टुकड़े ओके उसका एक टुकड़ा लो उस एक टुकड़े के ऊपर उसको डब्बे में पैक करते हैं डब्बा असली में नहीं गत्ता वत्ता नहीं यूज हो रहा है यहाँ कहीं बट थोड़ा मैं ईज ऑफ विजुअलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बोल रहा हूँ ओके okay. इसके ऊपर आप जैसे लेबल लगाते हो वैसे यहां पे भी हम एक लेबल लगाते हैं और एक नहीं लगाते मल्टीपल लेबल्स लगाते हैं इसे हम यहां टेक्निकली कहते हैं हेडर जैसे आप जब चीज मंगाते हो तो ये लेबल का काम क्या है फ्रॉम टू बताना ऐसे अलग अलग हेडर यहाँ लगते हैं जिनका अलग अलग पर्पस है क्या ये वो डेटा है जो आप भेज रहे हो नहीं ये डेटा के टुकड़े के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों ऐड की जा रही है सो so दैट हम इसको पहुंचाए इधर से उधर हेडर क्या है समझ में हेडर के लिए विजुअलाइजेशन के लिए आप वो एमेजन फ्लिपकार्ट वाला लेबल सोच सकते हो फिलहाल के लिए धीरे धीरे हम हेडर देखते चलेंगे फिर आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ओके okay? अब यहां असल में डब्बे में डब्बे वाली बात है क्योंकि मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं तो आप ऐसे सोचो कि ये डेटा है इस डेटा के हमने टुकड़े कर दिए एक टुकड़ा लिया इस डब्बे में पैक किया और इसके ऊपर एक लेबल लगाया ठीक है कुछ भी है, अभी ऐसे ही हमने उस डब्बे को दूसरे डब्बे में पैक किया उसके ऊपर एक और लेबल लगाया फिर हमने एक और डब्बे में पैक किया उसको उसके ऊपर लेबल लगा, ठीक है डब्बे में डब्बा असली में गत्ता यूज नहीं होना है ये बस ईज ऑफ विजुअलाइजेशन के लिए है वरना आप थोड़े परेशान रहोगे इस मामले में कि हेडर क्या होता है <laughs> ठीक है या क्या कर रहे हैं हम जो वेनकैपुलेशन वर्ड एक हम यूज करेंगे हाँ, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं मतलब जैसे आप देखोगे ये हमारा एक इमेज है हमें जो भेजनी है तो इस इमेज के टुकड़े टुकड़े करोगे इसका एक टुकड़ा हमने यहां लिया और जैसे आप मान लो एच से खोल रहे हो तो उसका हेडर लगाया यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये वो इमेज नहीं है इमेज के अलावा हमने कुछ हेडर लगा फिर हमने डब्बे में डब्बा अगले वाले को पकड़ाया उसने अपना वो सारा लिया एस का हेडर डेटा इसने अपना टीसीपी कुछ लगाया मैं सारे प्रोटोकॉल आज नहीं डिस्कस करूंगा बहुत दिन लगेंगे हमें करने में कल भी खत्म नहीं होंगे ठीक है तो धीरे 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 बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ अभी हम हेलीकॉप्टर में बैठ के ना नीचे देख रहे हैं क्या क्या ऑप्शन हो रहे टीसीपी में क्या होता है, में क्या होता है? ये समझने के लिए दो तीन घंटे लगेंगे हमें दो घंटा हम टीसीपी डिस्कस कर रहे होंगे फिर उस दिन बैठ के ओके तो ऐसा मत सोचना मैंने खत्म कर दिया आज मैंने कहा था ना आज मैं वो आपको इस टीवी सीरीज के करेक्टर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो ये इसको पकड़ाता है ऐसे ये इसको पकड़ाता है ये अपना अलग हेडर लगाता है ऐसे ये इसको पकड़ाता है और ये हेडर भी लगाता है और ये ट्रेलर भी लगाता है कुछ जो भी होता है ओके फाइन मतलब हम ऐसा अगर बोले तो ये डेटा के टुकड़े टुकड़े ऐसे जाते हैं सेंडिंग साइड का कहानी है रिसीविंग साइड पे क्या होगा रिसीविंग साइड पे ये उल्टा होता है काम